Okay, D. The first and the fundamental question which every student should ask himself is why should I study that particular course? मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का कोर्स जो है वो क्यों पढ़ रहा हूँ? एंड सेकेंडली वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज द मीनिंग ऑफ अ सिग्नल एंड वट डू आई मीन बाय अ सिस्टम. कैसे सबसे पहले आपको कोर्स को ब्रेक डाउन करने की जरूरत है कि यार ये जो मेरे पास है सिग्नल्स का वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, वट डज सिग्नल मीन, सिग्नल्स का क्या मतलब है, एंड वट डज सिस्टम मीन, सिस्टम का क्या मतलब. एंड सेकेंडली कि मुझे सिग्नल सिस्टम का कोर्स पढ़ने की जरूरत है. So let me define that. Any task which involves the gathering, storing, transmission, or processing of some information from physical world will deal with the signals and systems. Maslan, when we use our mobile phones for making a phone call, or when we are listening to the songs, or when we are taking the pictures and storing them inside our mobile phone. या फिर जब मैं ऑडियो क्लिप्स जो है वो बनाता हूँ या मैं बायोमेडिकल सिग्नल्स लेता हूँ. सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ दीज एप्लीकेशंस हैव द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द कोर्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. आप गाने सुनते हैं, फोन कॉल्स मेक करते हैं, टीवी देखते हैं, ठीक है, सॉन्ग्स सुनते हैं, कोई चीज सेव करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, हर एस्पेक्ट में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. And I will give you the examples over the span of the course. यार यहाँ पे ये concept involved है, यहाँ पे ये concept involved है, इस application में ये चीज involved है. Secondly, signal and system जो है वो fundamental course है for the other electrical engineering courses. ठीक है, मसलन I believe कि I am not sure control systems आप लोग अभी पढ़ रहे हैं? Can anybody confirm कि control systems अभी आप लोग पढ़ रहे हैं? No sir. No, sir. नहीं पढ़े आप लोग. माइक्रो प्रोसेसर एंड समथिंग लाइक दैट पढ़े हैं. कंट्रोल सिस्टम का कोर्स है आपके पास. देन वी हैव अ कोर्स ऑफ अ पावर सिस्टम. आई एम जस्ट गिविंग यू द नेम यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है. देन वी हैव अ कोर्स ऑफ अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. देन आई हैव अ कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो आई बिलीव अभी आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं. Then I have a course of antenna and wave propagation. Then I have a course of DCOM, digital communication. I have a course of communication system. Beta, ye tamam courses ke andar signals and systems ke prereqs aur fundamental concepts hain. Control systems ke andar hum log padhte hain LTI system, linear time invariant system. Ye hum chapter number 2 mein padhenge. पावर सिस्टम्स के अंदर हम लोग करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस, हार्मोनिक एनालिसिस. ठीक है, हार्मोनिक एनालिसिस एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस, इन दोनों के कॉन्सेप्ट जो है सिग्नल सिस्टम. डीएसपी और डिप के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वोल्यूशन एंड फिल्टरिंग. कॉन्वोल्यूशन का जो आर्टिकल है ये चैप्टर नंबर 2 में. इसी तरह ईएमटी और एंटीना के अंदर सिग्नल्स एंड सिस्टम के कॉन्सेप्ट. डीकॉम और सीएस का ये प्रीरेक कोर्स. अगर आपने सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़ा तो डीकॉम और सीएस को आप पास इस तरीके से नहीं कर सकते. ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम और ये एसेंशियल कोर्स है सिग्नल एंड सिस्टम. सो इन सिंपल वर्ड्स टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट फॉर डिजाइन एंड एनालिसिस you will need to know and understand signals and systems. koi bhi real world object ko aapne design karna hai ya model karna hai uske analysis ke liye, theek hai, to model any real world object for design and analysis you will need to understand signals and systems. secondly iski applications be tahasha hai, radar systems ke andar hai, communication systems ke andar hai, aapki acquisition systems ke andar hai, ठीक है, आपके कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर है, आपके फीडबैक सिस्टम्स के अंदर है. सो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस. दैट इज व्हाई कि सिग्नल एंड सिस्टम्स का कोर्स जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है. इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है, सिग्नल एंड सिस्टम्स का कोर्स जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर में कंपल्सरी कोर्स है. सिग्नल एंड सिस्टम्स का कुछ पर्टिकुलर एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस और हार्मोनिक एनालिसिस सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं. सो दैट गिव्स यू द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोर्स कि दिस इज बेसिकली अ मल्टी डायमेंशनल कोर्स है.
ठीक है, ये एक मल्टी डायमेंशनल कोर्स है जिसकी एस्पेक्ट्स डिफरेंट इंजीनियरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये तो हो गया बेटा जी वाई का क्वेश्चन, ठीक है कि भाई मैं क्यों दिमाग पाऊंगा अगले 16 हफ्ते में। तो मैंने आपको बता दिया कि इट्स अ फंडामेंटल कोर्स और बाकी कोर्सेज में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू स्टडी। सेकंड क्वेश्चन जो यूजली हमें पूछना चाहिए उसी टाइम पे खड़े खड़े किसी भी इंस्ट्रक्टर से, वो ये है कि भाई जरा ये तो बता दे कि व्हाट इज सेमेस, मतलब ये सर जी ये सिग्नल क्या है और ये सिस्टम क्या है। सिग्नल को डिफाइन कर दें, जरा सिस्टम को काइंडली डिफाइन कर दे ताकि हम थोड़ा सा आगे चल। ओके, तो सिग्नल की डेफिनेशन आप लोग लिख भी सकता हूँ पर मेरी राइटिंग थोड़ी सी जब वो नाजुक से अलग सुनकर है कि मैं लिखवा। सिग्नल की डेफिनेशन है जी बेटा जी अ फंक्शन कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, अ फंक्शन कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर और नेचर ऑफ सम फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ सिग्नल। ठीक है, अ फंक्शन कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर और नेचर ऑफ some phenomena of interest is simply called a signal. एक और जो बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल कॉमन डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो वो है एनी क्वांटिटी showing variation in time और स्पेस, ये स्पेस वो वाला स्पेस नहीं है, दिस इज 2D स्पेस। ठीक है, एनी क्वांटिटी शोइंग वेरिएशन इन टाइम और स्पेस इज पोटेंशियली अ सिग्नल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सिग्नल, अ फंक्शन कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर और नेचर ऑफ सम फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट or any quantity showing variation in time or space is potentially a signal. So let's talk about the example. Examples kya kya ho sakti hain bhai sir? The first basic example is the audio signal or the speech signal. Main jo baat kar raha hu abhi it's a signal. There is a variation in time. Theek hai, meri agar main isko draw karna shuru karu signal ki form mein, so at every instant of a time there will be a variation, there will be a different information. So it's a signal. So one very basic example of the signal is a speech signal. Then, जो आप पिक्चर्स खींचते हैं जो इमेजेस हैं दैट इज ऑल्सो सिग्नल, दैट इज ऑल्सो सिग्नल। देन बायोमेडिकल डोमेन में से मुझे कोई स्टूडेंट जो है किसी सिग्नल की एग्जांपल कोट करे प्लीज। सर ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये जो सिग्नल है ये हार्ट की एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। ठीक है, ये तमाम सिग्नल जो है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। स्पीच सिग्नल जो है वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू, ठीक है मैं क्या इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहा हूँ। सो एवरी फंक्शन इज गोइंग टू कंटेन सम इन्फॉर्मेशन, ईसीजी विच इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कन्वेज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। इसी तरीके से अगर मैं एक और सिग्नल लिखूँ विच इज डबल ईसीजी फॉर ब्रेन, ठीक है दिस इज फॉर ब्रेन, यस इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम, दिस सिग्नल शोज द ब्रेन एक्टिविटी। सिमिलरली इस तरीके से बहुत सारे सिग्नल हो सकते हैं, मसलन द पॉपुलेशन ओवर डिफरेंट ईयर्स दैट इज ऑल्सो सिग्नल। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बना लूँ पॉपुलेशन का ओवर डिफरेंट ईयर्स दैट इज ऑल्सो सिग्नल, इट कन्वेज यूर इन्फॉर्मेशन। सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल, इसी तरीके से मोबाइल फोन के जो आपके सिग्नल सिग्नल, सो रेडियो सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल, सो दीज आर ऑल सिग्नल। ठीक है,
these are the different types. Okay. अब एक इंपॉर्टेंट बात जो वहां पे लिखी जा सकती है, अ सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में अभी बताता हूँ, ठीक है. अ सिग्नल कैन बी अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, सिस्टम आ जाते हैं. सिग्नल मैंने डिफाइन कर दिया क्या चीज है, सो लेट्स कम टू द सिस्टम. दूसरी चीज को भी डिफाइन करके आगे चलते हैं. सिस्टम, so I can define a system in simple words as any process which produces an output signal in response to an input signal is simply called a system. The system is any process which produces an output signal in response to an input signal. So, beta, ye aapke paas humne code ko thoda sa breakdown kar liya ki signal ka kya matlab hai and system kya matlab hai. Ab hum aage inki properties, signal ki type kya hoti hai, ठीक है, सिस्टम किस तरह के होते हैं, इनकी सारी चीजें जो है पहले तक. This is the idea of the signal system. क्या है? Okay, now let's come to the type of the signal. So this article is about types of the signals जो कि हम पढ़ेंगे इस कोर्स में. Okay. There are two types of the signals which we are going to study in this particular course. Let me define them and give them the name. The one is the continuous time signals, which I am going to denote as CT signals. And the other one is the discrete time signal, discrete time DT signals. Okay, continuous time signals and discrete time signals. Excuse me sir, sir can you screen refresh kar de. Beta baaki logo ko nazar nahi aa rahi screen. Aa rahi hai nazar. Sir aa rahi hai, show rahi hai. Okay, thodi der mein crash hoti hai abhi. Acha, what I'm going to do is ke main koshish karunga kuch ko nazar nahi aa rahi, kindly refresh kar de. बेटा आप सिस्टम को रिफ्रेश करने को कह रहे हो तो वो मैं कर देता हूँ. आई डोंट नो कि आप किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो. आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ये जो स्लाइड है या जो नोटबुक है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को लैग आ रहा है किसी का तो वो चीज थोड़ी शॉर्ट आउट की जाए. अच्छा जी, there are two types of the signals which we are going to study in this particular course. One is the continuous time signals and the other one is the discrete time signals. aap logon ne math ka course padha hoga. Can anybody tell me ke is signal ke andar independent or dependent variable kaun sa? I am talking about this signal first. Which variable is independent and which variable is dependent? x dependent or t independent? Very good. T जो है इसके अंदर बेटा जी, this is independent variable and x is basically a dependent variable. ठीक है, x is basically a dependent variable. और T जो है मेरे पास, that is independent variable. So T is an independent variable and x depends upon the value of the T. So the value of the T basically defines what will be the value of the x. So x is a dependent variable. चलो ये तो अच्छा हो गया, हमने define कर दिया. अच्छा, ये variable है. Variable का बेटा जी मतलब ये होता है कि इसका कोई भी नाम हो सकता है. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि T ही आए, यहाँ पे मैं इसका नाम change भी कर सकता हूँ. लेकिन signals and systems के केस में
जब हम कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को बेटा जी डिस्कस करेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली टाइम होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली टाइम होगा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हमेशा टी ही आना है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई और नहीं हो सकता, हो सकते हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और भी, लेकिन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव में हम वन डायमेंशनल सिग्नल्स को डिस्कस करते हैं और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टाइम होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के केस में, इसको क्यों डिस्क्रीट टाइम कहते हैं, इसको क्यों कॉन्टिन्यूस टाइम कहते हैं, मैं अभी समझाऊंगा। डिस्क्रीट टाइम के केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली हम एन से डिनोट करते हैं। अगेन रट्टा नहीं लाना किसी भी शहर का, ये ना हो कि आप कहें भाई साहब ये एन आएगा तो मैं इसको मानूंगा, नहीं बेटा जी, इसकी जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ, इस एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो सिग्नल सिस्टम के कोर्स में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एन लूंगा, ठीक है, और यहाँ पर डिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई ऑफ एन हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, पहली बात ये, अब हम दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्या है पहली चीज, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स में द सिग्नल विल बी डिफाइंड फॉर कॉन्टिन्यूम ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या मैं इस तरह कह दूं, सिग्नल विल बी डिफाइंड एट कॉन्टिन्यूस या ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में सिग्नल विल बी डिफाइंड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तमाम वैल्यूज पे, ठीक है, तमाम वैल्यूज के ऊपर सिग्नल जो है वो डिफाइन होगा। उसके केस में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है इज डिफाइंड, जी बेटा बेटा जी कोई क्वेश्चन है, ओके, उसके मुकाबले में जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है दैट विल बी डिफाइंड फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे टाइम जो है बेटा जी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल विल बी डिफाइंड फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहली चीज। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा जो लोग अभी मुझे पिंग कर रहे हैं, आई कैंट ऐड देम इन द क्लास राइट नाउ, इफ यू हैड टू टेल मी दैट द टाइम वाज बेसिकली यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, उस टाइम पे आप सोए हुए थे और अभी क्लास के दौरान आप पिंग करेंगे तो आई कैंट ऐड यू, अब आप वेट करें और नेक्स्ट टाइम आई विल ऐड यू, सी आर प्लीज कन्वे दिस मैसेज। ओके, एक मोहम्मद यूनस नाम का लड़का है सर, सर 8:30 का वेट कर रहा है सर, टीम में ऐड नहीं है यार। ये बेटा ये बात उसको मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, जब मैंने टीम क्रिएट की थी तो आप सारों को पिंग जाती है ना, और जब मैंने टीम कल क्लास इनिशिएट की है तो उसको मुझे उस टाइम पे बताना चाहिए था ना कि यार सर मुझे ऐड करने क्लास करना, मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन लिस्ट आई है मैंने उसके मुताबिक तमाम स्टूडेंट्स को ऐड किया है, कुछ एडिशनल स्टूडेंट्स में भी रहते हो, ठीक है। ये जिस लड़के का बेटा आप नाम बता रहे हैं आपके सेशन का, सेक्शन का नहीं है सर, इसका ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था, नहीं नहीं आई मीन ये आपके सेशन का है, आपके सेशन का है, सेक्शन बी का जी सर, जी इसी सेक्शन, सर आई थिंक सेशन का नहीं है, आई डोंट थिंक सो, ये आपके सेशन का होगा सर, ये बेसिकली 18 सेशन का है सर, 18 सेशन का, ये रिलेगेटेड स्टूडेंट आई थिंक सो। नाम बताओ जल्दी से, क्या है, मोहम्मद यूनुस है इसका नाम, मोहम्मद यूनुस, यस सर,
अभी यहाँ पे यार नहीं है, दूसरा ऐड कर सकते हैं, मुझे उसको टीम में ऐड करना पड़ेगा प्रॉब्ली। यस ओके टेल हिम यार टू वेट, नेक्स्ट टाइम टीम में ऐड करूंगा पूरे लेक्चर का फ्लो खराब हो जाएगा। ओके जनरल वेरिएबल की हम बात कर रहे थे, तो जनरल वेरिएबल, सो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स में जनरल वेरिएबल जो होगा दैट इज गोइंग टू बी टी, दैट इज टाइम, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में जनरल वेरिएबल जो मैं यूज करूंगा दैट इज गोइंग टू बी एन। उसके बाद आती है नोटेशन, कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स को मैं हमेशा कर्ली ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। मसलन एक्स ऑफ टी, तो x is my dependent variable, t is my independent variable, और ये वाली ब्रैकेट मैं यूज करूँ। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं हमेशा ये वाली ब्रैकेट यूज करूँगा, और इसी तरीके से ये आ गया आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये दिस इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, तो याद रखिएगा ब्रैकेट देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा सिग्नल को मैं रिप्रेजेंट करूँ। फिर अदर नेम, सर आपकी आवाज क्रैक कर रही है सर। ओके गाइस यू विल हैव टू कोप विद दैट, आई डोंट नो कि सारों का ये प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कुछ कोर्स का आ रहा है। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों का लेक्चर जो है वो यूनिवर्सिटी से कंडक्ट कर लिया करूं, थोड़ी वहां पे स्पीड बेहतर है, ठीक है। सर आपके एंटी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके एंड पे प्रॉब्लम है। I don't think so, मेरे एंड पे प्रॉब्लम है यार, because I have taught this in the previous semester as well from my workplace. मैं घर पे भी। Yes sir, आपके तरफ से नहीं है। Please try. Okay, I mean, it's not the fault of the student if there is an issue at the connectivity at the student end. I can totally understand that. But please, you need to understand this thing as well that if the problem is at your end, try to cope with that instead of telling me number of times in between the lecture and that destroys the flow. ठीक है, सारी गेम ही फ्लो की, अगर आपका फ्लो टूटेगा लेक्चर के अंदर तो आप चीजें सीरियस लर्न नहीं कर पाओगे। तो जिनका बेटा जो इशू है वो उनके एंड पे है, थोड़ा सा वेट कर लिया करें या मैनेज करने की थोड़ी सी कोशिश करें। रिकॉर्डिंग चल रही है, दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एनीवे। अच्छा जी, दूसरा नाम, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स को जनरली आप एनालॉग सिग्नल्स भी कहते हैं। तो अगर आपको एनालॉग सिग्नल्स का नाम सुनने में मिले ना, तो वो भी कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स ही हैं, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को जनरली रेफर किया जाता है एक और नाम से, विच इज डिजिटल सिग्नल, ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। तो मैंने कहा कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल और एनालॉग सिग्नल एक ही चीज है। हाउएवर जनरली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल भी कहा जाता है, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में फर्क है एक छोटा सा, ठीक है, जो अभी मैं आपके सामने रखूंगा। डिजिटल सिग्नल हम लोग इस कोर्स के अंदर नहीं पढ़ते हैं, हम लोग डिस्क्रीट टाइम पढ़ते हैं और कॉन्टिन्यूस टाइम पढ़ते हैं, लेकिन डिजिटल आपको पता होना चाहिए। तीन टाइप्स हैं, एनालॉग सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, या कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, discrete time signal and digital signal. Digital signal is a different thing, जो कि अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा जी, आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि continuous time signal की basically क्या definition है। Signal will be defined at every instant of time. क्या मतलब है कि भाई ये signal है, ये x of t, this is the signal. So ये what you can see is that the curve is defined at every instant of time. कोई भी मैं time का instant उठा लूँ, मैं कहता हूँ कि इस जगह पे time instant पे signal की value क्या है, तो I can find it out. सिमिलरली मैं कहता हूँ यार इस टाइम इंस्टेंट पे सिग्नल की वैल्यू क्या है, सो आई कैन फाइंड इट आउट। सो दैट मींस दैट टी जो है वो मेरा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है एंड सिग्नल एक्स ऑफ टी इज डिफाइंड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल हो गया, कॉन्टिन्यूस वेवफॉर्म आपको नजर आएगी। उसके मुकाबले में डिस्क्रीट, अच्छा वेरिएबल टी है, एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट करूंगा, ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं। Discrete time signal की definition क्या है? It is defined for discrete values of independent variable. जो भी variable है यहाँ पे, n है, x है, y है, जो भी variable है, जो signal है,
that will be defined for discrete values of that particular variable. Matlab, discrete kya hota hai? 1, 2, 3, 4. 1.1 is not discrete. 1.2 is not discrete. Theek hai? Round off number, whole number. 1, 2, 3, 4. इसी के साथ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ठीक है. यहाँ पे आपके पास टी की वैल्यू जो है अगर मैं कहूँ कि यार टी की वैल्यू 1.341 पे बता दो सिग्नल क्या है सो यू कैन टेल मी ओवर हियर दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सिग्नल डिफाइंड नहीं है. सिग्नल डिफाइंड ओनली एट टी जीरो एट एन इज इक्वल टू जीरो एट एन इज इक्वल टू वन एट एन इज इक्वल टू टू एट एन इज इक्वल टू थ्री. सो देयर इट डजंट मेक एनी सेंस अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार मुझे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की वैल्यू बताओ एट एन इज इक्वल टू 3.4 तो उसका आंसर ये होगा कि सर इस इंस्टेंट के ऊपर एक्स ऑफ एन की वैल्यू है जीरो क्योंकि सिग्नल यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है. या मुझे के ये कहेंगे कि सर आप गलत बात कर रहे हैं 3.4 तो आ ही नहीं सकता डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में. इट कुड बी ईदर 3 और इट कुड बी ईदर 4. तो सर ये जो आपने ये जो हरकत की है ना हमारे साथ ड्रामा लगाया ये ठीक नहीं है ठीक है. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग in discrete time signal defined for discrete values of independent variable. So you can see over here the signal is defined for x0 x1 x2 x3 x4 x5 ye n ki values hain ye n ki values hain. So this is x0 this is x1 this is x2 theek hai jo bhi values hai. So ye discrete time signal hai. Acha ab do teen cheeze main yahan pe aap logo ko define karne ja raha hu jo ki आप लोग लिख लें या याद कर लें बाद में भी डिस्कस हो. पहली बात एक्सक्यूज मी सर. जी बेटा सर आप कहने का मतलब सर जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है इसमें जो पॉइंट्स है सर इनको हम आपस में जोड़ते हैं तो जो ग्राफ बनेगा वो डिस्क्रीट सिग्नल नहीं होगा वो गलत होगा. हाँ डिस्क्रीट टाइम के केस में जो इंडेक्स होता है ना ये वाला एंड इसमें पॉइंट्स की वैल्यू नहीं आ सकती. सिग्नल हमेशा डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड होता है. डिस्क्रीट का मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के नंबर. डेसिमल पॉइंट्स बेटा नहीं आते. डिस्क्रीट का मतलब है होल नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से. जबकि अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूँ तो 0 से लेके 1 तक इनफाइनाइट वैल्यूज आती है ना. 0 से 1 के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज है ठीक है अगर मैं कॉन्टिन्यूस सिग्नल की बात करूँ. जबकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में 0 और 1 के दरमियान सिर्फ 2 वैल्यू है. सिग्नल डिफाइंड है 0 के ऊपर और सिग्नल डिफाइंड है 1 के ऊपर. ये बात क्लियर होगी बच्चे. बेटा ये बात क्लियर होगी. अच्छा गाइस अब कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है अपने सिग्नल को. इट इज पॉसिबल कि मैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को जनरेट करूं. ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग. जो कि चैप्टर नंबर 7 में. तो सैम्पलिंग क्या है बेसिकली सिंपली कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग. इसको याद रखना है. इसी तरीके से मैं वापस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में भी वापस आ सकता हूँ ठीक है. कॉन्टिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में और डिस्क्रीट टाइम से कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में हम वापस जा सकते हैं. इसकी एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को सपोर्ट करूंगा जो कि अभी हम यूज कर रहे हैं ठीक है. जो कि अभी हम प्रैक्टिकली अभी हम यूज कर रहे हैं सैम्पलिंग. तो पहली बात सी टी से डी टी में जा सकते हैं थ्रू सैम्पलिंग और वापस भी आ सकते हैं रिकंस्ट्रक्ट बैक भी कर सकते हैं. अब मैंने एक बात का नाम मैंने आप लोगों को कहा था कि डी टी से सी टी में आएंगे तो उसको क्या कहेंगे. बेटा डी टी से सी टी आएंगे तो वो भी रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हो आप उसको. बट यू कैन कॉल इट इज अ रिकंस्ट्रक्शन और दैट इज ऑल्सो डन थ्रू द सैम्पलिंग. लेकिन सैम्पलिंग कहना उसको मुनासिब नहीं है तो आई वुड राइट रेदर रिकंस्ट्रक्शन. ओके सर ठीक है. डीटी से सीटी में सीटी से डीटी तो जाने का प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड. ओके अब हम डिफाइन कर देते हैं जो एक छोटा सा पॉइंट हमने मुझे छोड़ा कि भाई डिजिटल सिग्नल क्या होता है ठीक है. डिजिटल सिग्नल क्या होता है मैंने डिफाइन कर दिया कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल. बेटा डीटी और डिस्क्रीट टाइम और डिजिटल सिग्नल में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि डिजिटल सिग्नल में जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो भी डिस्क्रीट होता है. इट्स आल्सो डिस्क्रीट.
डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट की नहीं, इंडिपेंडेंट तो होता ही होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट मैं दोनों लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बोथ आर डिस्क्रीट, इसका क्या मतलब है भाई? ये देखो, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर, उसको ध्यान से सुन लेना, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में x of n जो के सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये है ये है ये है, एम्पलीट्यूड कैन टेक एनी वैल्यू, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट तो इसी तरह है, डिपेंडेंट वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आपकी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यूज सिर्फ ले सकता है, लाइक 4, 5, 6। सो डिजिटल सिग्नल में डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो डिफाइंड एट डिस्क्रीट वैल्यूज, डिजिटल सिग्नल में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी डिस्क्रीट वैल्यूज पर डिफाइंड होता है, उसकी वैल्यूज कॉन्टिन्यूस नहीं होती। ये फर्क है डिस्क्रीट टाइम और डिजिटल में, डिजिटल में दोनों एक्सिस, अगर मैं ये कह दूं कि डिस्क्रीटाइज, डिस्क्रीटाइज का मतलब होता है कि यार पर्टिकुलर डिस्क्रीट टाइम में सिर्फ एक्स एक्सिस डिस्क्रीटाइज होता है, और डिजिटल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डिस्क्रीटाइज होते हैं, और फाइनली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से अगर मुझे जाना है डिजिटल सिग्नल में, उस प्रोसेस के लिए मुझे करनी पड़ती है क्वांटाइजेशन, द प्रोसेस टू कन्वर्ट discrete time signal into a digital signal is called a quantization, ठीक है, is called a quantization। अब ये बात क्लियर होगी, अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, अदरवाइज मैं अब आप लोगों के सामने एक इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रखने जा रहा हूँ। और चलो मैं इसको आपको दोबारा बताता हूँ, बट दिस टाइम आई विल ट्राई टू टेल यू इन फॉर्म ऑफ एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लो भाई मैं तीन सिग्नल बना रहा हूँ, मैं वेरिएबल का नाम जान पूछ के नहीं लिखूंगा ताकि आप लोग रटा ना लगा सके, मैं तीन सिग्नल आपके सामने बनाता हूँ और आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आपके ख्याल से कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल कौन सा है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कौन सा है, और डिजिटल सिग्नल कौन सा। अच्छा जी, पहला हम बनाते हैं पहला सिग्नल, दिस इज माय फर्स्ट सिग्नल, माय सेकंड सिग्नल इज दिस वन, my third signal is ye mere pa beta ki teen signal hai, theek hai, let me name them और आप लोगों से पूछते हैं अपने पास जरा लिख लें कि ए बी और सी, यू नीड टू आपने मुझे बताना है कि कॉन्टिन्यूस टाइम या जिसको हम एनालॉग भी कहते हैं, ये एक ही चीज है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टाइम या एनालॉग सिग्नल कौन सा है, डिस्क्रीट टाइम कौन सा है, एक मिनट सबर भाई जब सबर चले ली, पहले कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि सिग्नल ए कौन सा है, सर डिजिटल है, डिजिटल डिजिटल वेरी गुड, कोई बंदा मुझे ये बताएगा, अच्छा चलो अभी मैं आता हूँ वहाँ पर, दिस इज डिजिटल, सिग्नल नंबर बी कौन सा है, कंटीन्यूअस टाइम है, बिल्कुल ठीक है, और सी कौन सा है, डिस्क्रीट, अब कोई बंदा मुझे ये बताएगा कि ये डिस्क्रीट टाइम क्यों है, ये डिजिटल क्यों नहीं है, एनीवन सर, सर इसमें जो डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, तो इसके वाइज होल नंबर्स सिग्नल की डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, मतलब दिस एम्पलीट्यूड इज समथिंग लाइक 1.5 है, ये 2.2 है, ठीक है, और ये कुछ मतलब 3.1 या 3.2 है, सो ये जो वाई एक्सिस है ये डिस्क्रीट नहीं है,
y-axis discrete नहीं, you can see that the samples can take any value on y-axis, जबकि यहाँ पे the samples can take only the value of 1, 2, or 3, यहाँ पे आपने ये value simple assign की है, तो यहाँ पे y-axis discretized है, यहाँ पे y-axis discretized नहीं है, x-axis दोनों में discretized है, so that is the basic difference between continuous time या जिसको हम analog भी कहते हैं, discrete time एंड डिजिटल, ये फर्क है तीनों के अंदर जो कि आप लोगों को पिक्टोरिकली मैंने सिखा दिया। अब वो स्टूडेंट जो मेरे से कह रहा था दोबारा एक्सप्लेन कर दे, उसको ये बात समझ आ गई है? यस सर, थैंक यू। चलो गुड हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अच्छा सम अप करने के लिए मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि कॉन्टिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में हम किस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं? Sampling. बिल्कुल ठीक है। और डिस्क्रीट टाइम से डिजिटल में हम किस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं? Quantization. ये दो प्रोसेस है जो इन्वॉल्व है, ठीक है। यूजली होता ये है कि आप सी टी से जाते हो डी टी में और डी टी से जाते हो डिजिटल में, ये वर्क फ्लो है, ये बेटा वर्क फ्लो है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में और डिस्क्रीट टाइम से डिजिटल, यहाँ पे सैम्पलिंग, यहाँ पे क्वांटाइजेशन और यहाँ। ओके, ये बच्चे आपके पास हैं सिग्नल की टाइप कॉन्टिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम, डिजिटल मैंने आपको बता दिया लेकिन हम उनको कोर्स के अंदर उस तरीके से डिस्कस नहीं। अब मुझे कोई बंदा ये बताएगा और सोच के आप सोचेंगे 10 सेकंड और उसके बाद आंसर करेंगे ताकि तमाम लोग सोचने को थोड़ा सा मजबूर हो। सर जी, मुझे कोई बच्चा ये बताए कि कंप्यूटर्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, जो लैपटॉप वगैरह है या कोई भी एक मशीन जो है, उसमें इन तीनों सिग्नल्स में से कौन सा सिग्नल यूज होता है या किस सिग्नल में प्रोसेसिंग होती है? सर डिजिटल। अब कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि ऐसा क्यों है? डिजिटल सिग्नल्स की प्रोसेसिंग हमेशा की होती है मशीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मैं कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को क्यों नहीं यूज कर सकता मशीन में? सर ये बाइनरी, सर क्योंकि हमारे पास आउटपुट जो है उसमें डिटरमिनेट होती है, कांस्टेंट होती है आउटपुट्स। एक मिनट, ये इसी बच्चे को बोल रहा था, बताओ बेटा दोबारा। सर क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट्स होती हैं वो फंक्शन पे, फंक्शन हमारे पास आउटपुट होता है, तो हमारे पास अगर उनको हम डिस्क्रीट फंक्शन डिफाइन कर देंगे तो वो हमें आउटपुट वही देगा, इनपुट हम जो भी दे सकते हैं, तो इसलिए हम उसमें डिजिटल यूज करते हैं। ओके, एनीबॉडी एल्स? सर इसकी जो प्रोसेसिंग होती है इसको स्टोर करना इजी है, 0 या 1, और इसके जो उल्टा कंटीन्यूअस है उसमें हमारे चेंज हो रही होती है, उसको प्रोसेस करना मुश्किल होता है, ट्रांसमिशन भी मुश्किल हो सकती है, जबकि उसमें इतनी प्राइवेसी भी नहीं, स्टोर भी इतना हो सकता है, जबकि मेरे ख्याल से जो डिजिटल है वो ज़्यादा ईजी है। और ओके, आई गॉट इट। एक पॉइंट इसके अंदर बिल्कुल ठीक है कि डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग करना आसान है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल, ठीक है, बट दैट इज नॉट द मेन रीजन, दैट इज नॉट द मेन रीजन, मेन रीजन कुछ और है। सोचे दोबारा सर, ये कह सकते हैं कि प्रोसेसर हमारा और जो लॉजिक मदरबोर्ड के अंदर चिप्स लगी हुई है वो एक ऑसिलेटर से कनेक्टेड है, तो ऑसिलेटर स्पेसिफिक टाइम पे सिग्नल भेजता है, तो फिर उस सिग्नल को उस टाइम पे वो सिग्नल जनरेट होते हैं। सर बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ना ये कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, तो कोई भी एटमॉस्फेयर से कोई भी अगर नॉइस आएगी तो हमारे एनालॉग सिग्नल के अंदर मर्ज हो जाएगी और हमारे सिग्नल का जो एक्चुअल एम्पलीट्यूड होगा ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नल इसके जो एक इसका एम्पलीट्यूड होता है उसके अंदर वो जो नॉइस की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो कम हो जाती है, इसलिए हमारा जो एक्चुअल सिग्नल होता है वो इनपुट के आउटपुट के ऊपर मिलता है। I got your point. This is a very, very good point and valid point कि digital signals के अंदर noise के जो effect है वो कम होता है compared to continuous time. But again, अच्छा चलो मैं पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि continuous time signal को store करने के लिए कितनी memory चाहिए? Obviously it's required sir. हाँ भाई, ये continuous time analog signal को store करने के लिए कितनी memory चाहिए? Sir, it would be very large. What if I say it will be infinite?
आप ये कह रहे हो कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल इज डिफाइंड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यही कह रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल इज डिफाइंड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट मींस के इस में जीरो से वन के दरमियान मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज आती है, सो दैट बेसिकली मींस के आई नीड इनफाइनाइट मेमोरी टू स्टोर द कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल. मैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को बेटा स्टोर नहीं कर सकता, उसकी रीजन ये है कि भाई मेरे पास टी एक्सिस यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, जीरो से वन के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज है, और भाई मेमोरी किधर से लेके आओगे इतनी, so we can't store the continuous time signals actually, ठीक है, what we can store is a digital signal, क्योंकि digital signal में x axis भी discrete होता है और y axis भी discrete होता है, तो मेरे पास दोनों x axis और y axis दोनों discretized है, so I can actually store them. Other reasons are also correct, noise immunity very good point, processing very good point, कि processing digital signal की आसान है, noise immunity ज़्यादा digital signal में होती है, digital systems में होती है. But at the end of the day, the thing is कि बेटा जी आपके पास अगर स्टोर करवा रहा है सिस्टम को, प्रोसेस करवा रहा है, तो मैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को तो स्टोर नहीं करवा सकता, क्योंकि आई नीड इनफाइनाइट वैल्यूज, द टाइम एक्सिस इज कॉन्टिन्यूस. चल अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की तरफ, और उसके बाद मैं मेरे पास स्टार्ट करूँगा. कोई बच्चा मुझे अच्छा चल पहले मैं आपसे एग्जाम्पल पूछता हूँ, देन आई विल. सर दैट्स इट, दैट इज सॉरी सर, इसलिए हम फिर मसलन जब हम बोलते हैं, जैसे आप इधर बोल रहे हैं, ज्यादा सारी बात आपकी जो वॉइस है एनालॉग है, तो जो प्रोसेसिंग हो रही है बस वो आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर हमारे तक मसलन स्टोर हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है. वेरी गुड, वेरी गुड. लो भाई हमारे दोस्त ने वो एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो हमें खुद बता दी. उसने कहा कि मेरी आवाज जो है व्हिच इज अ स्पीच सिग्नल या सिंपल ऑडियो सिग्नल, स्पीच या ऑडियो सिग्नल बेटा इट्स एन एनालॉग सिग्नल, इट्स एन एनालॉग सिग्नल, ठीक है, लेकिन मेरे आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सो हाउ दैट इज हैपनिंग एक्चुअली, मेरी आवाज जो है यहाँ पे कोई भी एक माइक्रोफोन है, ठीक है, जो कि बेसिकली माइक्रोफोन बेसिकली क्या करता है कि मेरी वॉइस को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विच इज डन थ्रू द ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर क्या होता है, विच चेंजेस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी वॉइस एंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ द सिग्नल इनटू अदर. उसके बाद मेरे पास यहाँ पे होती है सैम्पलिंग, मेरे सिग्नल को सैम्पलिंग एंड प्लस क्वांटाइजेशन, और यहाँ पे सिग्नल जनरेट होता है डिजिटल, ठीक है. ए टू डी या डी टू ए कन्वर्टर का नाम सुना होगा किसी ने, ए टू डी कन्वर्टर. यस सर सुना. एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है, सैम्पलिंग करता है और क्वांटाइजेशन करता है. तो बेटा जी मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो माइक्रोफोन है लैपटॉप का, वहां से वो सिग्नल ट्रांसड्यूसर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, सैम्पलिंग होती है, क्वांटाइजेशन होती है, डिजिटल सिग्नल बनता है. ये डिजिटल सिग्नल ओवर द इंटरनेट आपके सिस्टम तक आता है, आपके सिस्टम में दोबारा इस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको रिकंस्ट्रक्ट यहाँ पे किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट करके आपके स्पीकर्स को पास किया जाता है, और स्पीकर्स में से आपको जो आवाज आ रही है वो आ रही है कॉन्टिन्यूस दोबारा एनालॉग, तो यू आर गेटिंग एन एनालॉग सिग्नल, ठीक है. तो ये अभी जो हमारी कम्युनिकेशन है दैट इज वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सिग्नल सिस्टम, सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन. मेरी आवाज एनालॉग है लेकिन ये प्रोसेस हो के आपके पास आ रही है, तो इसका मतलब है देयर इज अ कन्वर्जन इन्वॉल्व, सिग्नल को ट्रांसड्यूसर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया, सैम्पलिंग की गई, क्वांटाइजेशन की गई, डिजिटल डोमेन आ गई, डिजिटल डोमेन में प्रोसेस किया गया, उसको इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुँचाया गया, वहाँ पर उसकी रिकंस्ट्रक्शन की गई, वापस स्पीकर्स को पास किया गया और आपको मेरी आवाज़ सुनाई गई. तो दैट इज वन एग्जाम्पल. आप सर वो पूछना था, जब डिजिटल सिग्नल ओवर द इंटरनेट हमने ट्रांसफर किया, तो वो डिजिटल सिग्नल थ्रू इंटरनेट ट्रांसफर हो रहा है अभी, तो जब हमारे पास रिसीवर एंड पे आएगा तो उसके ऊपर पहले हम डिजिटल को डिस्क्रीट में करेंगे, डिस्क्रीट को फिर एनालॉग में लेके जाएंगे. ओके वेरी गुड क्वेश्चन. अब यहाँ पे मैं आप लोगों से वही मैं पूछना चाह रहा था, और मैं आप
मैंने दो प्रोसेसेस लिखे हैं यहाँ पे, एक सैम्पलिंग है और एक क्वांटाइजेशन है. क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि इन दोनों प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस इनरिवर्सिबल है? इनरिवर्सिबल का मतलब होता है जिसको मैं वापस रिवर्स नहीं कर सकता. एक दफा मैंने अप्लाई कर दिया, देयर विल बी सम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी, वापस मैं उसको एज इट इज नहीं कर. मतलब ए से अगर मैं बी में गया और बी से वापस मैं ए में नहीं आ सकता, तो उसका मतलब ये इनरिवर्सिबल प्रोसेस है. तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन में से कौन सा प्रोसेस जो है वो इनरिवर्सिबल है? करेक्ट, सैंपलिंग से. सैंपलिंग. ओके, सो द प्रोसेस क्वांटाइजेशन, द प्रोसेस व्हिच इज इनरिवर्सिबल इज द क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन एक इनरिवर्सिबल प्रोसेस है. किस तरह? किस तरह? मैं तुम्हारे सामने सिंपल सी एग्जांपल रखता हूं. मैं आपको दो नंबर दे रहा हूँ. मैंने दो नंबर की, मैं कहता हूँ कि मुझे ये बताओ, मैंने 2.1, 2.2, 2.3 क्वांटाइजेशन क्या है बेसिकली. 2.1, 2.2, 2.3 को मैंने राउंड ऑफ किया और ये क्या बन गया? 2. मैंने 2 को ट्रांसमिट किया और मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे ये बताओ, ये 2 जो था ये 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है. तो यू हैव एब्सोल्युटली नो क्ल्यू टू टेल मी कि यार ये 2 जो था यहाँ पे बेसिकली 2.1 से बना है, 2.2 से बना है, या 2.3 से बना. दिस इज क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन इन सिंपल वर्ड्स इज सिंपली राउंडिंग ऑफ. क्वांटाइजेशन इन सिंपल वर्ड्स इज सिंपली राउंडिंग ऑफ. ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू है, ये डिस्क्रीट वैल्यू मैंने 2 बना दी. सो क्वांटाइजेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस है. देयर विल ऑलवेज बी सम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? एक्चुअली लेट सपोज ये 2.1 थी, एक्चुअली मेरे पास सैंपल की वैल्यू थी 2.1, लेकिन जो मेरे पास अब आ रही है या जिसके ऊपर मुझे इक्तफा करना पड़ेगा वो है 2. सो देयर इज एन एरर ऑफ 0.1. 0.1 का एरर है मेरे सिग्नल के एम्पलीट्यूड में. मेरे सिग्नल के एम्पलीट्यूड में 0.1 का एरर है. सो दैट इज गोइंग टू बी देयर. सो क्वांटाइजेशन जो है वो लॉसी प्रोसेस. क्वांटाइजेशन इज अ लॉसी irreversible process. Sir, for we should have to do to recover this loss. Yes, yes, मैं अभी बताता हूँ. उसके मुकाबले में जो sampling है, that is reversible, provided कि आपने Nyquist criteria follow किया हो. That is reversible. Sampling reversible process है. Provided कि एक फिनोमेना है जो कि हम लेटर हाफ में पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड Nyquist theorem. अगर आप Nyquist theorem को फॉलो करें तो सैम्पलिंग रिवर्सिबल प्रोसेस. अब देखो, एक सोचने की बात है. मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको एग्जैक्टली रिसीव हो रहा है. इसका मतलब है कि सैम्पलिंग तो ऑटोमेटिकली Nyquist क्राइटेरिया को फुलफिल किया जा रहा है, सैम्पलिंग की जा रही है, और इसी वजह से मैं वापस जो है एनालॉग सिग्नल आपके पास जो सुनाई दे रहा है दैट इज एक्चुअली क्लियर, अदरवाइज आपको डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलता है. फिर हमारे एक दोस्त ने ये पूछा कि सर क्वांटाइजेशन जो लॉसी प्रोसेस है तो इसका आप क्या करेंगे? मैं बेटा जी सिंपल नंबर ऑफ लेवल्स इंक्रीज कर दूंगा. अगर मैंने पहले यहाँ पे ये 3 लेवल यूज किए हैं क्वांटाइजेशन के लिए, तो मैं आई विल इंक्रीज मोर लेवल्स. मैं ज्यादा लेवल्स देना शुरू कर दूंगा तो क्वांटाइजेशन एरर हमेशा रहेगा तो सही, लेकिन उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं करेगा मेरे सिग्नल की रिकंस्ट्रक्शन में. तो सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन का मतलब आप लोगों को समझ आ जाने चाहिए. सैंपलिंग का प्रॉपर इंट्रोडक्शन चैप्टर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर नंबर 7 में है, और क्वांटाइजेशन भी मैं वहीं पे दोबारा डिस्कस करूंगा. तो अभी आप ये चीज याद रखिएगा कि बेसिकली क्वांटाइजेशन एक लॉसी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सैंपलिंग जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर मैंने Nyquist theorem को फॉलो या हो तो. इसी वजह से आप तक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और कोई इसमें डिस्टॉर्शन उस तरीके की नहीं है. अगर कनेक्टिविटी इश्यूज दोनों जगहों पर ठीक हो तो डिस्टॉर्शन नहीं है. यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर. सो दैट मीन्स कि हम कन्वर्जन कर सकते हैं एनालॉग से डिस्क्रीट टाइम या डिजिटल में, और डिजिटल से वापस एनालॉग में हम भाई जा रहे हैं. एट द मोमेंट हम ये काम कर रहे हैं. ओके, सो फाइनली एक दो चीजें और ऐड करके आगे जाऊंगा. ये अभी सिग्नल डिस्कस कर रहा हूँ तो यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ. हमारे पास
वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स होते हैं। वन डायमेंशनल सिग्नल का मतलब ये है जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, मसलन x of t, तो इसमें बेटा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सिर्फ t, या x of n, इसमें बेटा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है n। टू डायमेंशनल सिग्नल वो होते हैं जिनमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, जिनमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ये t1 t2 दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, n1 n2 दोनों इंडिपेंडेंट। इसकी एग्जांपल टू डायमेंशनल की इमेज है। एक इमेज जो होता है वो इस तरीके से एक स्क्वायर यानी कि इस तरह की होती है, यानी कि जीरो से n1 तक और जीरो से n2 तक, उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं n1 और n2, और उसके बाद सिग्नल की वैल्यूज होती हैं यहाँ पे। At any particular instant, the value of the signal is basically the brightness of that image. So image जो है वो two-dimensional signal की example है। अगर मैं कहूँ कि three-dimensional example को दो, तो three-dimensional की जो example बनती है, that is video. That is video. Video क्या होती है? Images का sequence. Images का sequence. आप images को sequence में display करना शुरू करते हैं, तो वो आपको video बन देती है। तो वीडियो के अंदर एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गई है n1 n2 जो कि n1 n2, और तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास होता है टाइम, टाइम और टाइम डिस्क्रीटाइजिंग। सो आई हैव थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नाउ, n1 n2 एंड t, सो थ्री डायमेंशनल सिग्नल की एग्जांपल वीडियो है। इसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं, वो अभी हमें डिस्कस करने की जरूरत है। एंड फाइनली मुझे आप लोग कोई उसको क्या कहते हैं, सिस्टम, डिजिटल सिस्टम की कोई एग्जांपल को बच्चा कोट करे थी। हाँ भाई, एनीवन डिजिटल सिस्टम की कोई एग्जांपल कोट करें। डिजिटल वॉच। अच्छा चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग अपने पास नोट डाउन इन दोनों में से लिखो कि कौन सा कौन सा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ सिस्टम्स लिखे हैं। सबसे पहले कोई बच्चा मुझे बताएगा कि आईपॉड कौन सा सिस्टम है, डिजिटल या एनालॉग? आईपॉड डिजिटल है सर। डिजिटल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वीसीआर, वीसीआर समझते हैं लोग क्या है? वीसीआर, एनालॉग। वीसीआर कौन सा सिस्टम है, डिजिटल या एनालॉग? कैमरा विद मेमोरी कार्ड, ये कौन सा सिस्टम है? डिजिटल। डिजिटल, जिसको हम डिजिटल कैमरा भी कहते हैं। अच्छा, कैमरा विद फिल्म, शायद ये आप लोगों को याद हो। एनालॉग, एनालॉग है सर। ये एनालॉग है सर, ये वो ही है ना जिसके अंदर वो रेल टाइप होती है जिसके अंदर वो पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे जैसे बूढ़े लोगों के जमाने में होता था, इसमें आप रील डालते हैं, उसके बाद रील को आप डेवलप करवाते हैं, तो बेटा वो एनालॉग सिस्टम की एग्जांपल है। कैसेट प्लेयर, दिस इज आल्सो एनालॉग। एनालॉग, एनालॉग, एनालॉग। कैसेट प्लेयर भी आपके पास बेसिकली एनालॉग है, वो कैसेटे मिला करती थी, ठीक है, और उन केसों के अंदर रील होती थी और उस रील के ऊपर सिग्नल जो था वो इम्प्लीट हो जाता था। एनालॉग सिस्टम। लैपटॉप, ये कौन सा सिस्टम है?
डिजिटल डिजिटल ये तो ऑब्वियस है, ये डिजिटल. तो जैसे देखना इसकी टाइप्स सिस्टम्स. अब ये तुम लोगों को टिप्स होनी चाहिए, ठीक है, कि ये कौन सा सिस्टम है. ये एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के सामने कोट कर दिए हैं एंड दिस इज योर आर्टिकल 1.1.1 जो कि हमने यहाँ पे कंक्लूड किया. ओके कमिंग टू द नेक्स्ट. जनाब आपने 3D सिग्नल्स के बारे में बताया था सर, उसमें कॉन्टीन्यूस में तो हम पहले से इसको डिस्क्रीट हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम टाइम कंसीडर पहले से कर रहे थे, तो उसमें फिर क्या करेंगे हम? एक अगर मैं सिर्फ एक इमेज की बात करूं, बेशक वो आपके पास डिस्क्रीट है, सॉरी एनालॉग है या डिजिटल है, ठीक है, एनालॉग इमेज या डिजिटल इमेज दोनों में से किसी की भी बात करो. आप पिक्चर डेवलप करवाते हो ना कैमरा विद फिल्म के अंदर, पिक्चर को डेवलप करवाते हो और डेवलप करवाने के बाद आपके पास एक पिक्चर आ जाती है, वो आपको उसमें प्रिंट करके दे देता है पिक्चर को ना, एनालॉग को डेवलप के बाद. अब उसमें बेटा दो डायमेंशन होती है, एक डायमेंशन होती है इस तरीके से और एक डायमेंशन होती है यूजली पिक्चर इस तरह की आती है ना, लंबी आती है थोड़ी, जिन लोगों के घरों में पिक्चर पड़ी हुई है अगर वो देखें तो इस तरह की पिक्चर आती है. तो बेटा इसमें दो डायमेंशन है, पहली बात, एक डायमेंशन इसके अंदर ये है, एक डायमेंशन इसके अंदर ये. अब अगर तो मैं बात करता हूँ कि ये मेरे पास एनालॉग पिक्चर थी, तो मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को कह देता हूँ एक्स और इस वेरिएबल को कह देता हूँ वाई. रिमेंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था टी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम जिसको हम कहते हैं. एनालॉग के केस में, एक इमेज के केस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजली होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं. टाइम का कोई लेना देना नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है. यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे एक्स वन वाई वन है, यहाँ पे कोई एक्स एन वाई एन है, सो कोऑर्डिनेट्स है. यहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, टाइम का कॉन्सेप्ट 1D सिग्नल्स के अंदर आता है. तो अब ये एक एनालॉग है, दिस इज एन एनालॉग इमेज, एक्स और वाई इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग से कहता आया कि आपने अपने जेन में ये नहीं बिठा लेना बिल्कुल कि टी के अलावा और कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो ही नहीं सकता. आई है बिल्कुल, इसमें एक्स और वाई है. अब इसी को अगर मैं लिखूं इस तरीके से, तो ये मैं डिजिटल इमेज आपको दे रहा हूँ. क्यों? पहले तो ब्रैकेट्स मैंने चेंज की, उसके बाद N1, N2 जो नोटेशन है, नहीं पसंद N1, N2 कुछ और यूज कर लो, Z1, Z2 लिख लो, लेकिन ये ब्रैकेट्स आपको बताती हैं कि ये डिजिटल इमेज है, ठीक है. अब बात करता हूँ वीडियो की, जो कि आपका क्वेश्चन था. बेटा वीडियो में बेसिकली एक इमेज को मल्टीपल इमेजेस आपको दिखाए जाते हैं ओवर डिफरेंट टाइम और वो वीडियो बन जाती है. तो यहाँ पे तीसरी डायमेंशन जो है, अब मैं उसको लिख देता हूँ टाइम. इसी तरीके से यहाँ पे जो तीसरी डायमेंशन है उसको मैं लिख देता हूँ टाइम, लेकिन ये टी जो है ये डिस्क्रीट है. यहाँ पे ये टी भी जो है दिस इज बेसिकली डिस्क्रीट, ठीक है. यहाँ आप इसको अगर कॉन्टिन्यूस कहना चाहते हैं तो बेसिक आप इसको कॉन्टिन्यूस कह देते. सो ये आपके पास आ गया वेरिएबल तीसरा. तो आई होप कि मैंने ये क्वेश्चन जो आपका था कि टी किधर जाएगा, टी को मैंने टाइम, इसको टाइम से रिप्रेजेंट कर दिया. टी से पहले दो के नाम मैंने चेंज कर दिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसी तरीके से ये N1 कोऑर्डिनेट है, ये N2 कोऑर्डिनेट है, और तीसरा एक्सिस जो है वो बेसिकली टाइम. ठीक है बच्चे, ये बात क्लियर हो गई है? हाँ जी बेटा जी, जिसका क्वेश्चन था उसको बात क्लियर हो गई है? जी सर, अंदाजा हो गया. आगे चलते हैं. क्वेश्चन पूछने के बाद वहां पे रहना भी होता है, क्योंकि मैं पूछता हूँ जिसकी बात कि आप लोगों को बात नहीं हुई है. ओके, हम वीडियोस को इसका 1D सिग्नल भी कह सकते हैं. वीडियो बेटा 1D सिग्नल नहीं है, वीडियो 3D सिग्नल है. वीडियो बेसिकली अगर टाइप, अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन देयर. वीडियो के अंदर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, सो दैट्स व्हाई अगर मैं उसकी डायमेंशनलिटी के लिहाज को डिस्कस करूं तो उसको मैं 3D सिग्नल कहूंगा. आई कैन अंडरस्टैंड कि 3D जब आप कहते हो तो आपके जेहन में एक और कुछ और चीज आती है, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशनलिटी. ठीक है, 1D, 2D एंड 3D. ठीक है, नंबर ऑफ डायमेंशन या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पे हम उसको वीडियो को 3D कहेंगे. अच्छा, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, हमारा लेना देना सिंपल 1D से है. तो ओके, मैं वापस ले आऊँ ताकि अगर किसी को कोई चीज़ रह गई है.
हम सिग्नल्स एंड सिस्टम में सिंपल 1D सिग्नल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम होगा कॉन्टिन्यूस का केस में, और डिस्क्रीट टाइम के केस में यूजली एन होगा। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ भी एक्स टी आ गया या एक्स एन आ गया, एक्स वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा टाइम और एन होगा, ये सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर डिस्कस होती है। बाकी मैंने आपको एक्सटेंशन बताई है, एग्जाम्पल्स कोट कर दिए। ठीक है, दिस इज द फोकस ऑफ SNS। SNS में वन डायमेंशन, टेप के अंदर टू डायमेंशनल सिग्नल आते हैं, इमेजेस आते हैं, तो वो हमारा कंसर्न अभी नहीं। तो कम टू बैक, ये इंडिपेंडेंट एंड दिस इज द डिपेंडेंट। ओके, मूविंग ऑन। ओके गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। क्लासिफिकेशन, पहला टाइप था टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। We can classify our signals into three types. We can call it energy signal. We can call it power signal. Or we can say that it's neither. Na ye energy signal hai, na ye power signal. Yeah? We can call it energy signal, power signal or neither. Okay, energy signal ki energy ya power, hum kis basis ke upar signal ko energy signal ya power signal kehte hain, wo ab main aapke samne likhne ja raha hu. Let me write down the formula. Agar aapne kisi signal ki energy find out karni ho to uska relation beta ye. This is a relation for finding the energy of continuous time signal. ये continuous time signal है, ठीक है? अभी इसको समझाता हूँ कि basically क्या कर रहा है। और इसी तरीके से अगर मुझे discrete time की निकालनी है, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि discrete time में integral का symbol किससे replace होना चाहिए? N, dn. Okay, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x of n. एक्स टी की जगह पे एक्स ऑफ एन आ गया, मैंने मॉड लिया और मॉड लेता हूँ और चेक कर देता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि इंटीग्रल की जगह पे क्या लिखूं? मैथ के कोर्स पढ़ के आए हो, मुझे ये बताओ कि इंटीग्रल डेरिवेटिव सर n1 n2 बेटा सिंबल क्या आएगा, सिंबल बताओ। dn सर डेरिवेटिव आएगा सर। डेरिवेटिव तो नहीं आ सकता पार्शियल डेरिवेटिव। समेशन होए, समेशन 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 लिमिट n माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक। ये मैं भी तुम लोगों को पूछता हूँ अभी की कर दे रहे हो मैं तो पूछ दूँगा। अच्छा, ये एनर्जी इस तरीके से निकाली जाती है, और ये बेटा है ऑब्वियसली बात है, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की है और ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की है। ठीक, ओके। और मैं अब इसके साथ पावर का रिलेशन भी लिख रहा हूं, या पावर का भी। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एनर्जी और सॉरी पावर का एक्सप्रेशन दोबारा लिख रहा हूँ, डिस्क्रीट टाइम के लिमिट टी की जगह पे कैपिटल एन आ जाएगा, एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1/2n+1। बेटा इसमें जो कैपिटल टी है दैट इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, या कैपिटल एन जो है दिस इज पीरियड। ठीक है,
कोई बच्चा मुझे बताएगा टाइम पीरियड क्या होता है? सर एक साइकिल को कोई भी अगर सिग्नल ना उसको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। व्हाट वी कैन से इज के बेसिकली टी जो है अगर कोई सिग्नल ऐसा जो कि पीरियोडिक है जो कि सिग्नल रिपीट करता है अपने आप को आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम तो उसको कितना टाइम लगता है एक अपना पीरियड पूरा करने में दैट इज बेसिकली कॉल्ड द टाइम पीरियड हम टी भी कहते हैं। ये मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन लिख दिए तो कैपिटल एन क्या है या कैपिटल टी क्या है ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। अभी आप यहाँ पे इनको एज अ नोटेशन यूज करिए। अच्छा एनर्जी और पावर का ये रिलेशन है आपस में बेसिकली जो पावर होती है दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो आपने देखा कि ये जो एनर्जी का पूरा एक्सप्रेशन था इसको हमने डिवाइड कर दिया है 1/2 T से बाकी टी जो है वो टाइम पीरियड है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये रिलेशन है आपके पास पावर और एनर्जी निकालने के। अब इन रिलेशंस को यूज करते हुए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर डिफाइन करते हैं कि वो सिग्नल एनर्जी है या पावर सिग्नल है। सर जी बच्चे पूछे सर जो डिस्क्रीट सिग्नल की जो पावर है इसमें लिमिट नीचे n अप्रोचेस टू क्या लिखा है सर n अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी ये इंफिनिटी लिख दिए दोनों में इंफिनिटी इंफिनिटी ठीक है। यहाँ पे ये n इज इक्वल टू माइनस n कैपिटल n टू n n इज इक्वल टू माइनस कैपिटल n टू n ठीक है वो लिखता हूँ। ये भी एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। ओके मैं एग्जांपल्स की प्रॉब्लम्स की साइड पे जाऊंगा थोड़ा सा। ये एक्सप्रेशन अपने पास लिख लो क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊंगा फिर मैं तुमसे कुछ चीजें पूछूं। अच्छा इससे पहले कि मैं उस पर जाऊँ मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि जब हम कहते हैं कि यार इस फंक्शन का इंटीग्रल ले लो या इस सिग्नल का इंटीग्रल लो तो उसका क्या मतलब है। मैथ्स के अंदर आपने क्या पढ़ा है कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। जब मैं कहता हूँ कि इस फंक्शन का इंटीग्रल लो तो बेसिकली आप सर वो एरिया होता है अंडर द कर्व के नीचे। वेरी नाइस इंटीग्रेशन बेसिकली इज सिंपली एरिया अंडर द कर्व। ठीक है जब मैं कहता हूँ कि सिग्नल का इंटीग्रल ले लो तो बेसिकली मैं तुम लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि उस सिग्नल का एरिया अंडर द कर्व क्या है ठीक है जो कि आपको निकालना आना चाहिए। बेटा अब एरिया अंडर द कर्व इसी वजह से ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रल का जो ऑपरेशन है ये डिस्क्रीट टाइम में रिप्लेस हो जाता है समेशन से। डिस्क्रीट टाइम में रिप्लेस हो जाता है समेशन से क्योंकि यहाँ पे आपके पास सैंपल डिस्क्रीट है। ये तो मैं आगे एग्जाम्पल कोट करूंगा। तो ये हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात हमें कर दी कि एरिया अंडर द कर्व सब सिंपल निकालना होता है। तो ये एक्सप्रेशन क्या कहता है एनर्जी का कि आपके पास जो भी सिग्नल है उसका आप मॉड ले लो। मॉड का मतलब ये है कि अगर माइनस वैल्यू है तो वो भी प्लस हो जाएगी और उसके बाद उसको क्या करो उसको करो स्क्वेयर और स्क्वेयर करने के बाद उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लो ठीक है जितनी भी उसकी रेंज है। अगर वो मतलब अगर वो जीरो से वन के दरमियान डिफाइन है तो यहाँ पे जीरो और वन लिमिट बन जाएगी ना ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या कहता है कि जो भी आपके पास सिग्नल है उसका मॉड लो। मॉड का मतलब है अगर कोई माइनस वैल्यू है तो उसको प्लस कर लो उसको स्क्वेयर करो और उसको सम कर दो सैंपल्स को सम कर दो। तो सम करने से आपके पास क्या आ जाएगी आपके पास एनर्जी आ जाएगी। पावर के केस में वही एक्सप्रेशन दोबारा यूज होते हैं लेकिन आपने उसको डिवाइड भी करना है ठीक है विच इज दी उसको क्या आप कह सकते हैं कि वी कैन कॉल इट दिस इज बेसिकली टाइम एवरेज पावर ठीक है दिस बेसिकली टाइम एवरेज। तो 1/2 T से आपने उसको डिवाइड किया। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखने जा रहा हूँ या प्रॉब्लम रखने जा रहा हूँ। पहला प्रॉब्लम कॉपी पेंसिल निकाल लें सॉल्व करेंगे तमाम लोग। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि आपको सिग्नल्स ड्रॉ करने आने चाहिए सिग्नल्स ड्रॉ करने आने चाहिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फॉर एग्जांपल ये तो पहला प्रॉब्लम है इसमें जो सिग्नल आपके पास गिवन है दैट इज दिस वन x of t इज इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 ड्रॉ करें चलें दिस इज योर सिग्नल x of t इज इक्वल टू 1
for the limits t greater than 0 या t is equal to greater than 0 or t equal to या less than 1. Draw करो भाई जल्दी से. सर कर लिया. कर लिया. क्या चीज आती है बताओ. सर वर्टिकल पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आती है 1 पे 0 से 1 तक. 0 से 1 तक मेरे पास एक लाइन आ जाएगी. दिस इज माय सिग्नल. 0 से 1 तक मेरे सिग्नल की वैल्यू क्या है 1. ये मेरे पास सिग्नल है. सिग्नल्स ड्रॉ करने आने चाहिए और ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये मैथ का हिस्सा है. यहाँ आपकी एफएससी का हिस्सा जहाँ पे आपको कहा जाएगा सिग्नल ड्रॉ करो. तो ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रख दिया x of t = 1. ये आपने सिग्नल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, दिस इज योर सिग्नल. चलो जी फाइंड आउट करो. एनर्जी निकालो और पावर निकालो. पहले एनर्जी निकालो. मुझे ये बताओ कि इसकी एनर्जी क्या है. हाँ भाई इसकी एनर्जी क्या है. बेसिकली तो देख के बता देनी चाहिए. कोई फार्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. पर चल वन है. किस तरह ये वन बताओ. सर x of t 1 है ना तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और उसकी आगे से इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन करके देख लिए. सर दबानी किया. दबानी सर एरिया अंदर का कर देना. रेक्टेंगल बनेगा सर. 1 मिनट सर, सिर्फ 1 मिनट. एक मिनट से आप सॉल्व करो. चलो x of t is equal to 2 for t 0 to 2. तो मैंने रेंजेस थोड़ा चेंज की है क्योंकि मुझे ये कंफ्यूजन है कि तुम लोग कहीं गलती करोगे. करो सर. 0 है सर. सॉरी सर 4 आ जाएगी. 4 आ जाएगी. 4 आएगी सर. बिल्कुल ठीक है. ओके अच्छा यार अब मैं एक सिंपल सा मेथड और उसके बाद स्ट्रेट मेथड जो था मैं दोनों आप लोगों के सामने रखता हूँ. मैंने कहा कि एनर्जी निकाली जा सकती है सिंपल माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एक्स ऑफ पी का स्क्वायर और डी टी. मैंने आपसे ये कहा कि यार उसको स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद आपने उसका क्या करना. आपने उसका बेसिकली एरिया अंडर द कर्व निकालना. ठीक है. अच्छा चल मैं अभी इस प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करता हूँ. जी बेटा. सर ये कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं है तो हम इसके लिए ये वाला फार्मूला फिर क्यों यूज कर रहे हैं. ये तो नहीं करना चाहिए. ये बेटा कौन सा सिग्नल है. सर ये डिजिटल है. ये किस तरह डिजिटल है. क्या टाइम एक्सिस के ऊपर सिग्नल डिस्क्रीट टाइम पर डिफाइंड है. सर यस टू नो सर पूरे इंटरवल पे. ठीक है पूरे टाइम. बेटा इसको देखो ना टाइम को देखो. मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है. मैंने ये तो नहीं बनाया. मैंने ये तो चीज नहीं बनाई. ठीक है सर. थैंक यू. ओके सो दिस इज बेसिकली कंटीन्यूअस टाइम. ओके इसको सॉल्व करता हूँ. लिमिट्स ब्रेक कर रहा हूँ यार. माइनस इनफिनिटी से जीरो तक मेरे पास सिग्नल की वैल्यू जीरो है. यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं. प्लस जीरो से टू तक मेरे पास सिग्नल की वैल्यू क्या है. टू है तो टू का स्क्वायर और डी टी. ये तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया मुझे लगता. और उसके बाद 2 से लेकर इन्फिनिटी तक मेरे पास सिग्नल की अगेन वैल्यू क्या है. 0 है. ठीक है तो ये इंटीग्रल भी खत्म है और ये इंटीग्रल भी खत्म है. ये बीच वाला इंटीग्रल है इसको सॉल्व करने की जरूरत थी. तो क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों के पास. 4. अच्छा पता नहीं मेरे को नहीं आ रहा. मैं देख लेना कितना आ रहा है. सारों के पास 4 आंसर आ रहा है. इस इंटीग्रल का 4 आंसर आता है. नो सर 4 नहीं आता. क्या आता है. तो 4t आएगा फिर 8 हो जाएगा सर जी. 4t आएगा सर. 8 होगा. वो सॉल्व करो ना इंटीग्रल को. सॉल्व करो. लिमिट गिवन है 0 2. लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करो. फाइनल आंसर बताओ क्या आता है. 8 सर. 8 सर. 8 मेरी समझ तो बात है. 4 किस तरह आंसर आता है. 8 आंसर है यार इसका. ये 4 सर. अब इंटीग्रल लूंगा तो टी आएगा और एट आंसर आता है 0 और 2. ठीक है 4 2 माइनस 0 तो 8 इसका आंसर है यार. अब ये मैथ में यहाँ पे तुम लोगों को नहीं समझा सकता. ये इंटीग्रल है यार. सिंपल इंटीग्रेशन की है भाई. ये कांस्टेंट है 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया. अंदर 1 बच गया. डी टी है तो टी आ जाएगा. लिमिट्स है 2 और 0. लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट किया तो 8 आंसर है. इसका आंसर 8 है.
अब ये आंसर मैं आप लोगों को देख के भी बता सकता हूँ किसका आंसर एट आएगा किस तरीके से। हमने बेटा बेसिकली क्या करना है, अब ये बात ध्यान से सुन लो और कुछ लोग इसको फॉलो कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, जो नहीं कर पाते कोई टेंशन नहीं, ये मैंने मेथड आपके सामने लिख दिया। बेटा जी मैंने आपसे कहा था कि सिग्नल का क्या करो स्केयर और उसको इंटीग्रल का मतलब है एरिया अंडर द कर्व। तो अगर मैं सिग्नल का करूं स्क्वेयर तो मेरे पास ये 2 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये लिमिट उसी तरीके से रहेगी। ये स्क्वेयर करने के बाद दिस इज बेसिकली x स्क्वेयर, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था एरिया अंडर द कर्व, तो बेटा ये एक रेक्टेंगल है बेस इनटू हाइट इसका एरिया अंडर द कर्व होता है, सो इसका एरिया अंडर द कर्व जो था 2 × 4 = 8, ये 8 इसका आंसर था। जैसे बेसिकली रेक्टेंगल बेस इनटू हाइट करके मैं निकाल सकता था, मैंने आपसे ये कहा ना एरिया अंडर द कर्व निकालने, इंटीग्रल इज सिंपली एरिया अंडर द कर्व। तो इधर यू कैन फॉलो दिस प्रोसेस इस तरीके से ब्रेक करके कर लें, यहाँ पर आप लोग इस तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी इंट्यूशन यूज करते हुए कि यार सर ने कहा था स्क्वेयर करना है 2 की जगह पे 4 आ जाएगा, तो 4 हाइट है इसकी, 2 इसकी जो है वो बेस है, तो 4 × 2 = 8 इसका एरिया रखें, ठीक है। आगे आते हैं तो इसकी एनर्जी आ चुकी है आपके पास 8, वॉट अबाउट पावर, इसकी पावर क्या होगी, मैं पावर का एक्सप्रेशन लिखता हूँ डिवाइडेड बाय टी, मैं पावर एक्सप्रेशन अच्छा मैंने एक चीज आप लोगों को नहीं लिखवाई वो मैं डेफिनेशन पूरी नहीं, मैं डेफिनेशन यहाँ पर पूरी करता हूँ और फिर वापस जाता हूँ। ये डेफिनेशन लिख लो, एनर्जी सिग्नल कोई भी ऐसा सिग्नल सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल इफ एनर्जी इज फाइनाइट, एनर्जी इज फाइनाइट, जीरो और इंफिनिटी से कम है, फाइनाइट है, ठीक है। इफ एनर्जी इज फाइनाइट एंड पावर इज जीरो तो उसको हम एनर्जी सिग्नल कहते हैं। पावर सिग्नल एनी सिग्नल इज कॉल्ड अ पावर सिग्नल इफ energy is infinite and power is finite. ठीक हो गया जी, और नीदर दोनों में से कोई भी नहीं, neither में energy भी infinite आएगी और power भी infinite आएगी, ये definition मैंने लिखी। तो basically आपने energy निकालनी है और एनर्जी निकालने की बेसिस की अगर वो फाइनाइट आ गई तो वो कौन सा सिग्नल है, वो एनर्जी सिग्नल है। अगर आपकी एनर्जी जो है इनफाइनाइट आती है और पावर फाइनाइट आ गई तो वो पावर सिग्नल है, और अगर नीदर आ गया तो इसका मतलब है कि आपके पास एनर्जी भी इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट तो वो नाइदर है, ठीक है। तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जो डेफिनेशन मैंने अभी आपके सामने रखी है, ये जो सिग्नल हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ये कौन सा सिग्नल है, सर एनर्जी सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो फाइनाइट आई है विच इज 8। तो पावर बेसिकली मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी पावर जो है वो जीरो आएगी, पावर जो है वो जीरो आएगी, बिकॉज आई कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द पावर एज दिस। पावर का एक्सप्रेशन जो है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज पावर, दिस इज सिंपली लिमिट टी अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1/2t, और बाकी ये पूरा एक्सप्रेशन एनर्जी का है, तो एनर्जी ओवर 2t, ई ओवर 2t, ये एक्सप्रेशन है पावर का। तो अब अगर मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करूँ तो आप देखोगे पावर इज सिंपली लिमिट टी अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1/2t एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी की अगर मैं वैल्यू डालू 8/2t एंड दिस इज 4/t,
एंड द लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब मैं टी की लिमिट डालूंगा 4 ओवर इंफिनिटी, एनीथिंग ओवर इंफिनिटी इज 0, तो इसकी पावर 0 है क्या, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन एनर्जी सिग्नल, ये एक एनर्जी सिग्नल है आपके पास। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अगर वो, अगर वो क्या कहते हैं टाइम पीरियड की डेफिनेशन को जेन में रखें, तो जो वो ऊपर आपने सिग्नल बनाया है तो सर वो जीरो से टू के दरमियान है, तो वो टू इसका टाइम पीरियड नहीं रखेंगे? नहीं, अब एक मैंने, याद रखिएगा, मैंने भी जो टाइम पीरियड का जो फिनोमेना है, जो टाइम पीरियड हम जिसको कहते हैं, वो डिफाइन होता है पीरियोडिक सिग्नल से। ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, इट डजंट रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। दिस इज अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, ये एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। मैं अभी आपके सामने ये पॉइंट रखता हूँ, इसमें टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है, इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, ये अपने आप को रिपीट नहीं करता। बस चल मैं एग्जांपल रख देता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास सिग्नल होता ये, ठीक है, जीरो थ्री, चले सॉरी थ्री, ठीक है। सो व्हाट यू कैन सी इज के दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल, ये सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है, ये वाला जो चंक है, ये वाला, ये चंक रिपीट हो रहा है, सो दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। अब इस केस में जो टाइम पीरियड है उसकी क्या वैल्यू है, व्हाट्स द टाइम पीरियड? थ्री के बाद वो रिपीट करना शुरू कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द टाइम पीरियड, यहाँ पे देखिए एग्जांपल है आपके पास, इसमें ये रिपीट नहीं करता, विच मींस द टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो इनफाइनाइट डाला है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, जिस किसी ने भी पूछी थी? यस सर। ओके, अच्छा सेकेंड प्रॉब्लम, ओके जी, सिग्नल दे रहा हूँ आपको एक और, योर सिग्नल इज एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 4, ये आपके पास सिग्नल है, ड्रॉ करो सबसे पहले इसको अपने पास, तमाम लोग इसको अपने पास ड्रॉ करें, मुझे ये बताओ ये डिस्क्रीट टाइम है या कॉन्टिन्यूस टाइम है? ठीक है बेटा, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी यूज हुई है, ये सबस्क्रिप्ट भी एन यूज किया, तो ये आपको ये चीज बता रहा, इसको ड्रॉ कर लो यार, इसको ड्रॉ कर लो, चलो इसको भी ड्रॉ करो और मैं इसी का काउंटर पार्ट भी लेता हूँ यहाँ पे, दोनों को ड्रॉ करो यार, ताकि तुम लोगों को ड्रॉ करना भी आ, हाँ भाई ड्रॉ कर लिए, हमेशा ड्रॉ करते हुए सबसे पहले एक्सिस को मार्क करते हैं, दिस इज एन, दिस इज एक्स ऑफ एन, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी मार्क करता हूँ, दिस इज माय टी, दिस इज माय एक्स ऑफ, हाँ भाई क्या ड्रॉ किया है? पहले कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि इसमें n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, x of n is equal to 4, so what could be the values of n? Anyone? 0, 1, 0, 2,
0 1 2 3 4 5 6 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to infinity ठीक है 0 1 2 3 और ये और कंटीन्यूअस टाइम है बता के टाइम कंटीन्यूअस है तो भाई ड्रॉ किस तरह करूं फिर सर इसमें जो है ना क्या कहते हैं जो डिस्क्रीट है इसमें एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी x इक्वल टू y x ऑफ n 4 पे नेगेटिव x की n की वैल्यू और पॉजिटिव पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी हां अब अच्छा अब एक काम करो जरा कंटीन्यूअस टाइम भी ड्रा कर लो अपने कंटीन्यूअस टाइम ड्रॉ करते हो और फिर तुम डिस्क्रीट टाइम सही कर लेना अपना क्योंकि तुम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम आई एम श्योर कभी गलत ड्रॉ किया होगा x of t is equal to 4 स्ट्रेट लाइन हर पॉइंट स्ट्रेट लाइन जिसका एम्पलीट्यूड 4 है और इस तरीके से और ये तीन डॉट्स का मतलब है कि यार ये कंटीन्यूअस है इसी तरह चल रही है अब डिस्क्रीट टाइम ड्रॉ कर लो कंटीन्यूअस टाइम ये है तो डिस्क्रीट टाइम क्या होगा जी बेटा जो जवाब देना चाह रहे थे सर हर पॉइंट पर वर्टिकल लाइन आएगी ना 4 तक यस सर जीरो पे भी 1 2 3 जीरो पे भी 4 वन पे भी 4 टू पे भी 4 थ्री पे भी 4 ये आपके पास डिस्क्रीट टाइम और इंसानों का एम्पलीट्यूड 4 है ये डिस्क्रीट टाइम है ये कंटीन्यूअस टाइम है दोनों में फर्क देख लो और समझ लो ड्रॉ करने तुम लोगों को खुद आने चाहिए मैं सिग्नल सिस्टम के कोर्स में ड्रॉइंग नहीं सिखा सकता ये बात याद रखिएगा सिंपल मैथ्स जो कि एफएससी के अंदर सिखाया जाता है प्लॉटिंग है आई कैन टीच प्लॉटिंग इन द कोर्स ऑफ सिग्नल सिस्टम ये जनाब कंटीन्यूअस टाइम है ये आपके पास डिस्क्रीट टाइम है ठीक है x ऑफ n इज इक्वल टू 4 इसका मतलब है x ऑफ 0 इसका मतलब है 0 इज 4 x 1 इज 4 और ये तमाम है ठीक है तो ये बेसिकली दिस इज x 0 दिस इज x 1 दिस इज x 2 एंड दिस और इन सारों की वैल्यूज क्या है 4 है तो मैंने इन सारों की हाइट सेम रखी है विद इक्वल टू चलें जी निकालें एनर्जी निकालें तमाम लोग शाबाश और ये चल रहा है सिग्नल टर्मिनेट नहीं हो रहा इसी तरह चलता रहेगा तीन डॉट्स का मतलब है कि सिग्नल टर्मिनेट नहीं हुआ इसी तरह चल रहा है हाँ भाई एनर्जी रिलेशन लिखवा दो यार पहले कोई बंदा क्या था एनर्जी का रिलेशन सर इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डीटी ओए इसका डिस्क्रीट टाइम का लिखवाओ रिलेशन समेशन थी सर समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ठीक है आगे x फिर उसका स्क्वायर ले लेते हैं मोड में x इन ठीक हो गया इसका आंसर बताओ क्या आएगा इनफिनिटी आएगा सर इसका आंसर आएगा इनफिनिटी तो उसकी एनर्जी इनफिनिटी अब इसको नहीं समझ आई उसको मैं समझा रहा हूँ बेसिकली हमने स्क्वायर करना है और उसके बाद टर्म्स को ऐड अप करना है अब मैंने आपसे कहा कि यार ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल है ये चलता रहेगा यानी कि ये अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये कुछ इस तरह की चीज बनती है और सर एक्स जीरो का स्केयर एक्स वन का स्केयर एक्स टू का स्केयर प्लस चल रहा है क्योंकि ये सिग्नल तो टर्मिनेट हो नहीं रहा इसी तरीके से यहाँ पे एक्स माइनस वन का स्केयर x माइनस टू का स्केयर और इसी तरीके से यहाँ पे भी चल रहा है क्योंकि सिग्नल टर्मिनेट होता नहीं है तो सैंपल x जीरो की क्या वैल्यू है 4 तो दिस इज बेसिकली 16 प्लस 16 प्लस 16 सिमिलरली x माइनस वन की क्या वैल्यू ये है दिस इज x माइनस वन इस सैंपल की क्या वैल्यू है 4 तो अगेन 16 प्लस 16 प्लस ये चलता जा रहा है इसका तो बेटा ये एक आपके पास सीरीज जो है जब आप इसका समेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा ठीक है इसी तरीके
ठीक है सर, अगर मैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को देखूँ तो मैं इंट्यूटिवली बता सकता हूँ, मैं इंट्यूटिवली बता सकता हूँ फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी ऑफ टी, लिखते एक्स ऑफ टी का स्क्वायर करो, फोर की जगह पे क्या आ जाएगा 16, और उसके बाद क्या करो एरिया अंडर द कर्व, तो बेटा इसका एरिया अंडर द कर्व आपको देख के पता चल रहा है इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि ये सिग्नल टर्मिनेट नहीं हो रहा कहीं, इसी तरीके से ये जारी हो जारी है, ठीक है। सो द एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस थिंग इज बेसिकली इनफाइनाइट, तो इसकी एनर्जी आ गई इनफाइनाइट। अब हमें देखनी ये है कि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर भी इनफाइनाइट तो नहीं है, व्हाट इज द पावर, तो ये पावर निकालते हैं। पावर का कोई एक्सप्रेशन बता दे कोई बच्चा, मुझे पावर का एक्सप्रेशन दिखा दे जरा पहले, क्या लिखा हुआ आपके पास सर, लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी कैपिटल एन, ठीक है, 1 ओवर 2n प्लस 1, ठीक है, बाकी सर एनर्जी वाला आ जाएगा डिस्क्रीट का, एनर्जी वाला आ जाएगा, तो मैं एनर्जी की एक्सप्रेशन लिख देता हूं, माइनस n से n, ये आ गया आपके पास पावर, ओके। तो कोई बच्चा मुझे ये बताए कि कैपिटल एन क्या चीज है इसके अंदर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, व्हाट्स कैपिटल एन, पीरियड, पीरियड, बेसिकली दिस इज द एवरेज ऑफ द सिग्नल ओवर वन पीरियड, एक पीरियड के ऊपर जो एवरेज बनती है उसकी, वो बेसिकली मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा कोई बंदा मुझे ये बताया कि सिग्नल का पीरियड क्या है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन, 1, वेरी गुड, ये सिग्नल रिपीट करता है, अब ये एक सिग्नल है ये रिपीट कर रहा है अपने आप, ठीक है, इसका पैटर्न एक के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो ठीक है 1 को सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, उसको सॉल्व करो जल्दी से, 1 n इज इक्वल टू 1, इसको सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से, सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आता है, जल्दी करो, कैपिटल एन को 1 सब्स्टिट्यूट करो, ये नीचे क्या आ गया 1/3, इसके अंदर वैल्यूज क्या आएंगी, कोई बता बच्चा मुझे बताए जल्दी से वैल्यूज क्या आती हैं, इनफिनिटी किस तरह आती है, मैंने क्या कह रहा हूँ कि एन को क्या सब्स्टिट्यूट करो, 1 सब्स्टिट्यूट करो, ये थोड़ी देर के लिए इसको भूलो, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूलो, बेटा एनर्जी आपकी इनफाइनाइट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी नहीं लिखा हुआ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने मुझे कहा कि पीरियड 1 है, तो n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें ना इसमें, n इज इक्वल टू माइनस 1 से 1, आगे मुझे बताएं आंसर क्या आता है, इसको ओपन करें एक्सप्रेशन को, 16 + 16 पहले बताओ क्या है, तो सर x ऑफ n का स्क्वायर है सर जी, और x ऑफ n हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और सर जी इसका अगर हम समीशन की बात करते हैं माइनस 1 टू 1 है, इस वजह से 16 प्लस 16 हो जाएगा, दो दफा 16 आएंगे, कितनी दफा आएंगे ये बताओ सर, दो मरतबा बेटा, -16 दफा नहीं आता, सॉरी सर 0 भी है, ठीक है मैं प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूं, 1 ओवर 2 1 प्लस 1, उसके बाद समेशन, समेशन ओपन करनी तो लोगों को आनी चाहिए, माइनस 1 से 1, क्या कह रहा हूँ कि n की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो, तो ये माइनस 1 से 1 आ गया, और उसके बाद x ऑफ n का स्क्वायर ये आ गया, इसको मजीद ओपन करो, यार ये तो सिंपल मैथ है भाई, 1 ओवर 2 1 से 1, 1 ओवर 3, इसको ओपन करूंगा तो उसके अंदर क्या आएगा, x ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x ऑफ 0 का स्क्वायर, बेटा माइनस 1 से 1 के दरमियान 0 भी आता है, ठीक है, प्लस x ऑफ
वन का स्क्वेयर ये। अब x ऑफ माइनस वन की क्या वैल्यू है, x ऑफ माइनस वन ये लिखा है x ऑफ माइनस वन, इसकी क्या वैल्यू है फोर। x ऑफ जीरो की क्या वैल्यू है फोर। तमाम सैंपल की वैल्यू क्या है फोर। तो बेटा फोर का स्क्वेयर तो ये आ गया वन ओवर थ्री, सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पावर आपके पास आएगी सिक्सटीन। एनर्जी इज इनफाइनाइट, पावर इज सिक्सटीन। तो ये कौन सा इनफाइनाइट पावर सिग्नल, दिस इज बेसिकली आवर पावर, दिस इज बेसिकली पावर। अच्छा अब एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं, हमने कहा कि n की वैल्यू 1 है। अगर मैं, अच्छा मैं किसी भी पीरियड पे ले लूं, चलो जरा दोबारा सॉल्व करो n इज इक्वल टू 2 के लिए, मैं कहता हूं यार टाइम पीरियड 2 है, मैं कहता हूं कि ये मैं कहता हूं कि मेरा जो सिग्नल है ना ओरिजिनली वो ये है, ये मेरा सिग्नल है जो रिपीट करता है, ठीक है, दो के बाद रिपीट करता है, मैं एन को टू ले लेता हूँ, सॉल्व करो you will see that you will again end up at the 16. n is equal to 2. करें जी सॉल्व जल्दी से, शाबाश, सॉल्व इट अगेन फॉर n is equal to 2 करें। सर उसमें 4 16 आ जाएंगे, 4 आएंगे या 5 आएंगे, 5 5 5 16 आएंगे और 5 से डिवाइड करेंगे उससे डिवाइड कर देंगे 16 आंसर आ डिवाइड होगा तो अंदर मेरे पास 5 16 आएंगे और 5 ही से डिवाइड होगा, आंसर अगेन क्या आएगा 16 16। अच्छा तो अब मुझे ये बताओ कि अगर n इनफिनिटी को अप्रोच करे तो फिर आंसर क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो 16 ही आएगा सर, 16 पे भी आंसर नहीं आएगा, n is equal to 2 पे भी आंसर 16 है, तसल्ली के लिए इसको भी निकाल लो, इस पे भी आंसर हमेशा 16 आएगा, 3 भी निकाल के देख लो n is equal to। तो बेटा ये अगर n आपका इंफिनिटी को भी अप्रोच करेगा ना तो पावर आपकी 16 ही रहेगी, ठीक है, पावर आपकी 16 ही रहेगी क्योंकि पीरियड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, 1 2 3 4 करते जाओ बढ़ाते जाओ, n को अप्रोच करवा दो इंफिनिटी को तब भी आपके पास आंसर 16 ही है। सर पीछे जो हमने फार्मूला लिखा है 2n plus 1 तो उसके अंदर n तो इनफिनिटी है सर, कहां कंसीडर नहीं किया बेटा, सर यहां पे जो हमने पीछे पावर का लिखा है, हमने इक्वेशन ऐसे लिखा है 1 नंबर 2n plus 1 हां तो एनर्जी होता है ना, तो 2n है सर उसके अंदर n तो इनफिनिटी हो जाएगा फिर सर, इनफिनिटी में प्लस 1 करेंगे तो दैट इज अगेन इनफिनिटी, इधर नीचे मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि n इक्वल टू इन्फिनिटी है, नो आई हैव सेड n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दोनों में फर्क है, दोनों स्टेटमेंट्स पे जमीन आसमान का फर्क है, अगर तो यहाँ पे लिखा होता n is equal to infinity तो इसमें डाल के इसको खत्म कर दो, और भाई अप्रोच का मतलब है कि भाई n की वैल्यू अगर मैं जो भी पीरियड है मैं 1 लूं या n की पीरियड मैं 2 लूं या जो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सेट होता है, मैं ये पीरियड्स ले सकता हूँ, मैं ये लेना शुरू करूँ तो उसके बाद अगर मैं इसको अप्रोच करवाऊँ इन्फिनिटी को तो फिर मेरे पास आंसर क्या आएगा, हमने देखा कि 1 के ऊपर भी 16 है, 2 पे भी 16 है, 3 पे भी 16 है, तो इन्फिनिटी को अप्रोच करते हो भी आंसर 16 आएगा। सो डोंट सब्स्टिट्यूट इन्फिनिटी डायरेक्टली एंड उसको खत्म नहीं कर देना क्वेश्चन को पूरे के पूरे को, इज इट क्लियर, ये बात समझ आई है? यस सर गॉट इट बेटा, ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो चले एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल आपके साथ, और आप मुझे देख के बताएंगे, आपने की बात ये है कि अब आपको मुझे देख के बताएंगे जाए कि आप कॉल करके बैठ गए, यू कैन एक्चुअली टेल मी बाय लुकिंग एट इट, किस तरह, आप थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, मेरा सिग्नल था पहली बात इसमें ये है फाइनाइट ड्यूरेशन,
फाइनाइट ड्यूरेशन का मतलब ये है कि ये सिग्नल जीरो हो जाता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, जीरो से टू तक इसकी वैल्यू थी, उसके बाद ये हमेशा जीरो है। अब एक अंडरस्टैंडिंग है सिंपल सी, एनर्जी होती है एरिया अंडर द कर्व क्लियर करने के बाद। कोई भी ऐसा सिग्नल जो फाइनाइट ड्यूरेशन है ना, जो फाइनाइट ड्यूरेशन है जो कि जीरो हो जाता है किसी लिमिट के बाद, वो हमेशा एनर्जी सिग्नल होगा। ठीक है, वो उसके ज्यादा चांसेस क्या है कि वो एनर्जी सिग्नल होगा। क्यों? क्योंकि यार मैं रिपीट कर, कोई भी ऐसा सिग्नल जो कि फाइनाइट ड्यूरेशन का है, फाइनाइट ड्यूरेशन का मतलब ये है कि बेटा वो सिग्नल की वैल्यू जीरो हो जाती है किसी टाइम इंस्टेंट के बाद, जिसका ये सिग्नल जो था जीरो से टू के दरमियान डिफाइंड है, बाकी तमाम जगहों पे इसकी वैल्यू जो है वो जीरो है। तो एनर्जी इज सिंपली एरिया अंडर द कर्व आफ्टर स्क्वेयरिंग दिस टर्म, ये टू का फोर हो गया। अब एक अंडरस्टूड की बात है कि यार इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइनाइट आएगा। क्यों फाइनाइट आएगा? बाकी जगहों पर जीरो है। तो ये जो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स होते हैं ये एनर्जी सिग्नल्स होते हैं। इसकी जगह पे मैं आपको सिग्नल दे देता इस तरह का, ये जो कि कॉन्टिन्यूस है, दिस इज इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल चल रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब अंडरस्टैंडिंग की बात है कि यार इसका कैनेडियन अंडर का कर्व निकालूंगा तो भाई वो तो इनफाइनाइट ही आना है ना, क्योंकि ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। तो इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जो है उनमें एनर्जी ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास इनफाइनाइट आती है। फिर इसी को हम पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि आपको पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल का अभी तक मैंने डेफिनेशन नहीं बताई। मैं इस बात को दोबारा रिपीट भी करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने और लिख रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करूँ। Let me give you another example. चलो सिग्नल दे देता हूँ डायरेक्टली। ये मेरा सिग्नल है और बस इसी तरह से। इंट्यूटिवली मुझे बताओ, मैंने कोई लिमिट नहीं देनी तुम लोगों को, ना ही मैंने कोई चीज बतानी है। इंट्यूटिवली मुझे बताओ ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है? एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल है, एनर्जी फाइनाइट है, एनर्जी सिग्नल है सर। मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अच्छा, मुझे किस तरह पता चला? मुझे इस तरह पता चला कि मुझे पता है कि यार एनर्जी सिग्नल में स्क्वेयर करना होता है। अच्छा, अगर मैं स्क्वेयर करता हूँ ना तो ये थोड़ी सी कम जाएगी, इस तरह बाकी सारी चीज इसी तरह आएगी। मेरे पास सिग्नल जो है, माइक को बेटा म्यूट कर लिया मैंने दोबारा, तो दिस इज माय सिग्नल। This is my x of t here. तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसी से करवा देगा। और उसके बाद क्या होता है एरिया अंडर द कर्व? तो इसका एरिया अंडर द कर्व ऑब्वियसली बात है फाइनाइट है, एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट आएगा, जिसका मतलब है कि इसकी एनर्जी जो है वो फाइनाइट आएगी। इस वजह से आपने मुझे देखने का बताया कि ये एनर्जी सिग्नल है। ठीक है, अब एक सिग्नल और रख रहा हूँ और ध्यान से सोच के बताना है। हाँ भाई बताओ, ये सिग्नल एनर्जी है या पावर है? पावर सिग्नल, पावर है, पावर सर, पावर है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। अगेन भाई हमें किस तरह पता चल गया देखते सार की ये पावर सिग्नल है? क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उसकी बात है कि एनर्जी अगर निकालनी है तो मॉड लेके स्क्वेयर करना है ना, तो ये नेगेटिव वाले पार्ट्स ऊपर आ जाते हैं। तो अगर मैं इसका
एक्स पी स्क्वायर ड्रॉ करो तो वो कुछ इस तरह से दिख सकती है। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। सो दिस इज बेसिकली एक्स पी मॉड स्क्वायर। तो उसके बाद एनर्जी क्या होती है एरिया अंडर द कर्व। तो बेटा अगर मैं इसके एरिया अंडर द कर्व निकालूं तो भाई ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है। तो इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जो है उसकी एनर्जी क्या आती है, एनर्जी आती है उसकी। तो पावर अब मुझे चेक करनी पड़ेगी, इसकी मुझे पावर चेक करनी पड़ेगी। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इसकी जो पावर है वो फाइनाइट आएगी। उसकी रीजन ये है कि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है। दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। तो सिग्नल जो पीरियोडिक होते हैं उनकी पावर फाइनाइट हमेशा आती है। तो दिस इज बेसिकली अ पावर सिग्नल, इज अ पावर सिग्नल। ओके, एक एग्जांपल और। सिग्नल ड्रॉ करो अपने पास, करो भाई ड्रॉ, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी, सिग्नल ड्रॉ करो। जरा देखना सिग्नल ड्रॉ करने भी हमें आते हैं कि नहीं। हमेशा सबसे पहले एक्सिस बनानी है, उसके बाद लेबल करना है प्रॉपरली, फिर सिग्नल ड्रॉ करो भाई, सिग्नल ड्रॉ। और बताओ क्या आता है। अरे ये लीनियर लाइन हो, वेरी गुड, ये एक लीनियर लाइन होगी इस तरीके की, एक लीनियर लाइन, ठीक है। और अगर मुझे लेबल करना है तो 0 पे 0, 1 पे 1, 1.5 पे, यानी कि डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, लेकिन वैसे लेबल करने के लिए 1 पे 1 आएगी, 2 पे सिग्नल की वैल्यू 2 आएगी, तो 800, ये इसका लेबल मैंने कर दिया। हाँ भाई बॉयज, केड़ा सिग्नल है, एनर्जी है या पावर है? दोनों ही नहीं सर, पावर नेवर, ये नाइदर है। ये नाइदर का केस है, क्यों? अब सुनो ध्यान से बात, ऐसा क्यों है? मैं ड्रॉ करो एक्स टी मॉड स्क्वायर, ये सिग्नल ड्रॉ करो जरा जल्दी से। क्या बस जल्दी जरा ड्रॉ करो, जनरल शेप इसकी ड्रॉ कर लो, कितना की होती है सर? ये फर्स्ट और सेकंड में आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड में आ जाएगा। और लाइन किस तरह की बनाऊं सर? जिस तरह हमारे पास ये जो फर्स्ट में बने हुई है, ये थोड़ी सी अपवर्ड हो जाएगी, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस हो जाएगी, वो वाई एक्सिस हो जाएगी। तो इसी तरह से सॉर्ट ऑफ अ पैराबोला, इजंट इट? पैराबोला इस तरह की चीज बनेगी। यस सर, कुछ इस तरह की चीज आपके पास आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 पे जो वैल्यू है वो 9 आ जाएगी। तो इसको करेक्ट कर लेना अपने पास, देख लेना है, बट इट विल बी समथिंग लाइक। हाँ भाई, एनर्जी क्या होती थी एरिया अंडर द कर्व? तो वो तो हमें साफ नजर आ रहा है कि इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो इनफाइनाइट। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि नाइदर सिग्नल है, जिसका मतलब है कि इसकी जो पावर है वो भी इनफाइनाइट है, वो क्यों है? पीरियडिकली भी नहीं है सर, पीरियडिक नहीं है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज अ नॉन पीरियडिक, ये नॉन पीरियडिक सिग्नल है, जिसका मतलब है इसमें मैं टी को डिफाइन नहीं कर सकता, टी को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली मुझे टी को इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। जब टी को मैं इनफाइनाइट को अप्रोच करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली पावर जो है वो इनफाइनाइट आएगी, ये नॉन पीरियडिक है। तो अब कुछ चीजें आप लोगों ने अपने ज़हन में बना ली होंगी जिससे आप सिग्नल को देख के बता सके कि ये एनर्जी है, पावर है, क्या है। कंप्यूट करना जब एनर्जी क्या है, पावर क्या है, वो तो मैथमेटिक्स है, ठीक है, कि एनर्जी निकाल के बता दो, पावर निकाल के बता दो कितनी है,
ठीक है, डेफिनेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ. तो दिस इज बेसिकली अ सिग्नल विच इज नीदर, ये एक नीदर सिग्नल है, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज जो है इसके अंदर नहीं आ रही. अच्छा, ये फाइनाइट ड्यूरेशन है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है. हाँ भाई, ये फाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट है सर. बिल्कुल ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट ड्यूरेशन. मैं कब पूछ ही लवा ये ना हो गई थी. इनफाइनाइट ड्यूरेशन, अच्छा किसी चलो ठीक वो नहीं. अच्छा तीन चार सिग्नल आपके सामने बना रहा हूँ, खुद ही डिसाइड करके अपने पास कॉपियों में नोट कर लेना कौन सा सिग्नल कौन सा. मैं आंसर सुन के नहीं बताऊँ. अरे ये जो आप पीडीएफ मिल जाएगी ना बाद में बेटा, लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी सर. वो फिर कुछ चीजें होती हैं जो लिख लेते हैं तो साथ आप मिल जाएगी, फिर हम बुक पढ़ लेंगे ना साथ, हमारा फायदा हो जाएगा. हम नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन मुझे इस चीज का पता है कि अगर मैं ये शेयर करूंगा तो आप लोग बुक नहीं पढ़ेंगे. सर हम बुक पढ़ेंगे, इसमें ये है ना कि कुछ चीज़ें हमारे पास, हम जल्दी जो नोट्स बननी होते हैं ना, तो फिर कुछ समझ चीज़ ना आए तो नोट्स देख लेते हैं आपके, फिर हमें ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी, बुक हमारे ये आसान हो जाएगी, इस वजह से कह रहे हैं सर. असल में पता है मैं, चलो चलो ठीक, आप कहते हैं मान लेते हैं. जी ठीक है सर, शुक्रिया. भाई साहब मैं कुछ सिग्नल्स आपके सामने दे रहा हूँ, आप ही डिसाइड कर लेना केड़ा ना केड़ा. हाँ जी, क्या दें क्या दें क्या दें आपको, क्या ये थ्री के अंदर ट्रेंड इसी तरह है, थ्री के अंदर ये ट्रेंड. एंड फाइनली ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स वाले जो डॉट्स हैं, इसका मतलब दिस मीन्स के सिग्नल आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा और इसी प्रकार से चल रहा है.
ये जो डॉट है एंड दीज वन मीन्स के सिग्नल की जो वैल्यू है एन की इन इन एस्पेक्ट पर जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली जीरो है. तो डोंट कंफ्यूज बोथ. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन ये चार एग्जाम्पल क्योंकि आपको फिगर आउट करनी है. चलो लिख लो अपने पास जल्दी से फिर मैं पूछता हूँ किसी से. राइट देम डाउन. A, this is your B, this is your C, this is your D. शाबाश अपने पास जरा लिख लो फिर आप पूछते हैं. ओके जी तो लेट्स आस्क समवन. कोई एक बच्चा मुझे बताएगा कि पार्ट ए जो है वो कौन सा सिग्नल है. एनर्जी सिग्नल है. जो फोन ने बात की है वही रहेंगी अभी कॉल के ऊपर. बेटा आपका क्या रोल नंबर है. 10. बेटा लड़की ने जिसने जवाब दिया है एनर्जी सिग्नल उसका रोल नंबर क्या है. 10. 10. बताओ भाई क्यों है एनर्जी सिग्नल. सर आपने बताया था ना कि किसी एक पॉइंट पे आते अगर जीरो हो जाएगी तो उसको फिर हम एनर्जी सिग्नल कहेंगे. मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो रही है ना. ठीक है ओके ठीक है. पार्ट बी के बारे में कोई बताए. पावर. ये पावर है. आप लड़के को बात करने दीजिए. लड़का बात करे. रोल नंबर क्या है लड़के. सर 55. 55. बताओ बेटा ये कौन सा सिग्नल है. सर ये पावर सिग्नल है. क्यों. सर क्योंकि इसमें ये एक तो इंफिनाइट जा रहा है और सेकंड इसमें पीरियड्स हैं. पीरियडिकली जा रही है. वेरी गुड. पहली बात ये है कि ये पीरियोडिक है. ये पीरियोडिक सिग्नल है. दूसरी बात ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन. वेरी गुड. यहाँ पे अच्छा बेटा रोल नंबर 10 ये पीरियोडिक सिग्नल है नॉन पीरियोडिक है. रोल नंबर 10 ये ए जिसका आपने आंसर दिया है पार्ट ए का ये पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है. सर पीरियोडिकल जब तक ये जीरो नहीं होता उसके बाद तो फिर जीरो चला जाता है ना. तो फिर ये बेटा नॉन पीरियोडिक है. ठीक है नॉन पीरियोडिक है. ये पीरियोडिक नहीं है. पीरियोडिक सिग्नल हमेशा रिपीट करता है अपने आप को. ये बात याद रखिएगा. दिस इज अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल. दूसरा मुझे ये बताएं ये फाइनाइट ड्यूरेशन है इनफाइनाइट ड्यूरेशन है. सर इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. फाइनाइट है इनफाइनाइट है. दोबारा बताओ. सर इनफाइनाइट. बेटा क्या इस सिग्नल की वैल्यू जीरो नहीं हो रही किसी इंस्टेंट के बाद. फाइनाइट. तो फिर सर फाइनाइट हो जाएगा और पावर जीरो होगी. तभी पावर जीरो होगी ना. आप चलो कोई इशू नहीं. ओके पार्ट नंबर सी. नीदर. नीदर. जिसमें नीदर का है 158. बेटा बताएं क्यों है नीदर. पहले मुझे ये बताएं कि ये पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है. सर नॉन पीरियोडिक है और इनफाइनाइट है. नॉन पीरियोडिक है. वेरी गुड. और दूसरा इनफाइनाइट ड्यूरेशन. वेरी गुड. अब बेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आपने इसको नीदर क्यों कहा. सर इन्हीं दो की वजह से क्योंकि ये नॉन पीरियोडिक है और इनफाइनाइट है. चलो ठीक है. पार्ट डी. सर एनर्जी. रोल नंबर. सर 5. बेटा जी बताओ क्यों है एनर्जी. पहले मुझे इसकी बताओ पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक. सर नॉन पीरियोडिक और फाइनाइट है.
और फाइनाइट है, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी, चलो वेरी गुड जी, ठीक हो गए, एनर्जी पावर एनर्जी मीटर। ओके आई होप कि ये चीजें थोड़ी हम आप लोगों को क्लियर हो चुकी हूँ। आपने इस सिग्नल की कॉज ऑफ आपने इस सिग्नल को अपने पास बाद में ड्रॉ कर लेना है, आपने बताना है, कर लो ड्रॉ जल्दी से, मुझे बताओ ये एनर्जी है या पावर है। सर पावर होगी, कंटिन्यूस रहेगी, ये पावर है। मुझे आप लोगों ने इसकी पावर कैलकुलेट करके बतानी है, ये आप लोगों का असाइनमेंट समझ है, जो मर्जी समझ है, या ये मैं क्वेश्चन ओपन छोड़ रहा हूँ, अगर देनी होगी असाइनमेंट में तो मैं आपको भी कह दे दूँ। दिस इज एन ओपन क्वेश्चन, x of t is the cause of omega naught t is a power signal, what is the power, power कैलकुलेट करके मुझे बतानी है कि इसकी पावर कितनी है, ठीक है। तो this was part to be solved in the lecture, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचा अभी, और इसको मैथ को भी सॉल्व करना है। आई होप कि एनर्जी और पावर सिग्नल का थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक लंबा है, वो मैं कवर नहीं कर सकता, मेरे पास अभी 5-10 मिनट है। आई कैन कवर पीरियोडिक सिग्नल का टॉपिक। ओके गाइस, कुछ चीजें हमने बता दी, पीरियोडिक कुछ हमने डिस्कस कर दी। मैं पीरियोडिक सिग्नल की अगर सिंपल डेफिनेशन लिखूं, तो इट्स सिंपली अ सिग्नल इन विच वैल्यूज रिपीट आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। अ सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल कौन सा, अ सिग्नल इन विच वैल्यूज रिपीट after some specific time, ठीक है, that is a periodic signal। तो अगर हम इसको definition की form में लिखना चाहें, तो a continuous time signal x of t is periodic if for some positive value of t this condition holds। And this condition holds for capital T or all integer multiples of T. And this is the definition of periodicity, periodic signals for the continuous time signal. ठीक है, continuous time signals की बात करें, continuous time signals में any signal, a signal is a periodic in which values repeat after some specific time. अगर signal repeat करना शुरू कर दे अपने आप को किसी particular time के बाद, तो बेटा वो सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल कहलाता है। डेफिनेशन क्या है वैलिडेशन की, x of t इक्वल टू x of t प्लस t, ठीक है, कैपिटल t के बाद सिग्नल जो है वापस रिपीट हो रहा है। और सेकंडली ये जो प्रॉपर्टी है, दिस होल्ड्स फॉर ऑल t एंड इंटीजर वैल्यूज ऑफ m, m इज एन इंटीजर वैल्यू। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर जो अभी लास्ट जो टी सिग्नल बनाए थे सर आपने, उसमें जो लास्ट वैल्यू थी वो तो रिपीट हो रही थी सर, तो उसको आपने नॉन प्रिडिक्ट किया। दोबारा पूछें क्वेश्चन, क्लियर नहीं हुआ मुझे। सर जो टी सिग्नल आपने बनाया था उसमें जो आखिरी जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही थी शुरू में वैल्यू, लेकिन आपने उसको नॉन प्रिडिक्ट किया दिया था। ये वाला इसकी बात कर रहे हो, डी की बात कर रहे हो या सी की बात कर रहे हो? डी की बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, आपने जो लास्ट अभी फोर सिग्नल, ये सर इसमें जो ये जो वन माइनस वन पे जो है सर, माइनस वन पे जो वैल्यू है ये टू पे भी है सर यहाँ पे। अच्छा चलो,
अगर माइनस वन वाली वैल्यू टू पे है तो ये जीरो वाली वैल्यू कहाँ पे है, ये वाली वैल्यू कहाँ पे है, ये रिपीट हो रही है सिग्नल में, जीरो वाली, ये वाली वैल्यू कहाँ है, क्या ये वैल्यू आपको सिग्नल में कहीं रिपीट होती नजर आ रही है? ये वाली वैल्यू कहाँ है, ये भी वाली कहीं पे रिपीट नहीं हो रही, तो ये सिग्नल रिपीट नहीं हो रहा बेटा, सिग्नल एक तो नहीं होता ना, ये बीच वाली वैल्यू से रिपीट होनी चाहिए ना। अगर मैं इसके बाद, अगर मैं इसके बाद, चलो समझाने के लिए, अगर मैं इसके बाद ये चीज बनाऊं, अब जरा ध्यान से देखना, और मैं कहूं कि ये इस तरीके से, अब ये पीरियोडिक बना है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये रिपीट हो रहा है इस वाले पार्ट से, समझ आ रही है बात, अब ये पीरियोडिक बन रहा है। एक सैंपल को तो नहीं देखते ना, पूरे सिग्नल को देखते हैं ना, ये किसी पार्ट ऑफ द सिग्नल को देखते हैं ना, बात क्लियर हुई है बेटा? यस सर, थैंक यू। चलो फोटो, अच्छा वापस आते, ओके। तो ये इसमें यहाँ पे m जो है वो एक कोई भी एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, और एक टर्म हम यूज करते हैं फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड इज स्मॉलेस्ट टी, फंडामेंटल पीरियड इज स्मॉलेस्ट टी फॉर विच दिस इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन वन कह रहा हूँ, फॉर विच इक्वेशन वन होल, ये आपके पास पीरियोडिक सिग्नल की डेफिनेशन है, अ सिग्नल इन विच वैल्यू रिपीट आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम, और जो स्मॉलेस्ट टाइम होता है उसको हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं, और फंडामेंटल पीरियड को हम यूजली रिप्रेजेंट करते हैं टी नॉट से। अब चूंकि कुछ जो हमारे दोस्त हैं वो कह रहे होंगे सर की बनना नहीं जा रहे, मैं यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल पोस्ट कर देता हूँ, लो भाई एक सिग्नल ड्रॉ कर दिया, ये टी है, यहाँ पे एक्स ऑफ टी है, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है, और अब मजे की बात है, आपको पूछते हैं, देखते हैं, पहली बात ये पीरियोडिक सिग्नल है, ये क्यों पीरियोडिक सिग्नल है, क्योंकि सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, आपको रेपिटेशन नजर आ रही है, सो दैट सर, दूसरा मैंने यहाँ पे डॉट्स भी डाले हुए हैं, सो दैट मीन इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल, हियर इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन, इसका टाइम पीरियड क्या है, व्हाट्स कैपिटल टी, हाँ भाई एनीवन, थ्री सर, बारा बताओ, थ्री हो, बिल्कुल ठीक है, फोर है सर, फोर है, फोर है कि थ्री है सर, फोर है, थ्री है, थ्री है सर, थ्री है, यहाँ से, थ्री सर, यहाँ तक सर, थ्री है, और फिर रेपिटेशन है, ये रेपिटेशन है, ठीक है, अगर आप फोर करते हो तो बेसिकली सिग्नल रिपीट नहीं होता, फोर का मतलब है कि एट पे जाके वही चीज दोबारा बननी चाहिए, थ्री का मतलब है कि थ्री सिक्स नाइन इस तरीके से रेपिटेशन होगी, नेक्स्ट जो रेपिटेशन का सिग्नल कंप्लीट होगा वो नाइन पे होगा, एंड विच इज एक्चुअली हैपनिंग, ये चीज बनती है। सो इसमें जो कैपिटल टी या टी नॉट है, जिसको हम फंडामेंटल टाइम पीरियड कहते हैं, फंडामेंटल टाइम पीरियड दैट इज थ्री, जबकि इसमें टाइम पीरियड जो है वो थ्री भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, नाइन भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं कुछ सिक्स है तो फिर मैं अपना जो सिग्नल अज्यूम कर रहा हूँ वो सिग्नल यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, और उसके बाद सिक्स से लेके ट्वेल्व तक है जो कि रेपिटेशन हो रही है, ट्वेल्व से लेके एटीन तक है, so what you can see is
कि मैं टाइम पीरियड को डिफाइन कर सकता हूँ 3B, 6B, 9B, 12B, 15B, ये सारे टाइम पीरियड डिफाइन हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है फॉर विच द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द पीरियोडिसिटी इज इंश्योर्ड एंड दैट वैल्यू इज 3। ठीक है, तो ये मतलब है अब इसका। अच्छा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी, इसका क्या मतलब है? अगर मैं 3 लूं, क्या मतलब है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस 3, इसका मतलब है कि जो वैल्यू इस जगह पर, अच्छा टी की वैल्यू हम लेते हैं 0, एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स ऑफ 3, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो कि 0 पे है, ये वाली वैल्यू जो कि 0 पे है और ये वाली वैल्यू जो कि 3 पे है, दिस टू शुड बी, दिस इज एक्स ऑफ 3, दिस इज एक्स ऑफ 0 एंड यू कैन सी दैट दीस वैल्यूज आर सेम। ठीक है, तो ये मतलब, सॉरी जो फंडामेंटल पीरियड इज स्मॉलेस्ट टी फॉर व्हिच, ये बात क्या लिखा है सर यहां? फॉर व्हिच इक्वेशन 1 होल्ड्स, फॉर व्हिच इक्वेशन 1 होल्ड्स, इक्वेशन 1 ये है, ये इक्वेशन 1 है, फॉर व्हिच इक्वेशन 1 होल्ड्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड जिसके ऊपर इक्वेशन 1 होल्ड करती हो वो है। अब इसी तरीके से यही डेफिनेशन एज इट इज जो है ये आपकी सेट होती है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पे भी। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x ऑफ n इज पीरियोडिक। और अच्छा, और हमेशा एक चीज याद रखनी है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, कैपिटल T इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टाइम है तो ये इंटीजर भी हो सकता है और वो डेसिमल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी बोथ, T इज अ पॉजिटिव इंटीजर और डेसिमल पॉइंट। अच्छा, इसी तरीके से अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x ऑफ n, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x ऑफ n इज पीरियोडिक फॉर पॉजिटिव इंटीजर, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, यहां पे इंटीजर है, स्पेसिफिकली इंटीजर है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n इफ इट होल्ड द फॉलोइंग डेफिनेशन, x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस कैपिटल n। और कैपिटल एन इसके अंदर क्या है? कैपिटल एन आपके पास पीरियड है। उसी तरीके से एन नॉट जो कि फंडामेंटल पीरियड है, एन नॉट इज द फंडामेंटल पीरियड, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर दैट सेटिस्फाइज इस पर्टिकुलर इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, एंड देन अगेन अगर ये सेटिस्फाई करता है तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि दैट x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस mn, m इंटीजर्स हैं, इन मल्टीपल्स पे भी वो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर लैब शुरू हो चुकी है या अभी होनी है? सर हमारी लैब नेक्स्ट स्टार्ट हो गई है। आप लोग मुझे याद करवाएंगे कि नेक्स्ट टाइम टाइम टेबल आप लोगों को शेयर कर दिया जो है वो मंडे वाले दिन है। मंडे वाले दिन आप लोगों ने मुझे याद करवा रहा है कि सर पीरियोडिक सिग्नल की एग्जांपल्स करवा दें और फिर उसके आगे चलें। ठीक है, क्योंकि मैंने पीरियोडिक सिग्नल की एग्जांपल्स कुछ करवानी है, टाइम पीरियड निकालते किस तरह है, ये चीजें आपके साथ डिफाइन करनी है जो कि अभी मैंने नहीं की। तो ये चीजें आप लोगों में से कोई बंदा मुझे याद करवा देगा कि वेयर डिड वी एक्चुअली एंडेड द लेक्चर। तो जस्ट लेट मी